गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? यस, गुड इवनिंग, एम आई ऑडिबल? व्हाट? यस स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके, बाकी के स्टूडेंट्स ज्वाइन होते रहेंगे। तो ऑलरेडी यू हैव गॉटन दिस पीडीएफ, ने एक बार चेक किया है, ये पीडीएफ चेक किया? यस मैम। 6 मार्क्स के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस जो मैंने बताए थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन के रिगार्डिंग सर्विसेज ऑफ ओएस, फिर प्रोसेस शेप डायग्राम हो गया या कमांड्स हो गए, तो ये सारे टर्म्स हैं जो ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अभी हम पहले मुझे ये बताओ, तुमने एक में से किसी को कुछ टॉपिक में कुछ डाउट है? मैम बैंकर्स एल्गोरिथम, लास्ट सेशन में नहीं थे बैंकर्स एल्गोरिथम के? आई थिंक मैम हुआ है, तो रिकॉर्डिंग में थे। रिकॉर्डेड वीडियो देख लेता हूँ, हुआ है नहीं, क्योंकि लास्ट सेशन में लिया बैंकर्स, तो सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, बैंकर्स एल्गोरिथम और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, बैंकर्स एल्गोरिथम के रिगार्डिंग भी उसी में लिया है। ओके, उसके अलावा कोई टॉपिक, मतलब एल्गोरिथम छोड़ के डायरेक्टिव स्ट्रक्चर, फाइल डायरेक्टिव स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर डायरेक्टिव, हाँ सी सिक्स चैप्टर में ना, टू लेवल डायरेक्टिव, और कुछ नहीं मैम। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बोलोगे तो लाइक डायरेक्टरी के बारे में तुमको पहले एक्सप्लेन करना है, डायरेक्टरी होता क्या है। डायरेक्टरी जहाँ पे फाइल्स और तुम्हारा डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हो, कोई भी फाइल इंफॉर्मेशन एक जगह पे स्टोर करोगे। स्ट्रक्चर बोलोगे तो जहाँ पे तुमको उसका डायग्राम बनाना है। अभी पर्टिकुलर टॉपिक में कहीं पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के रिलेटेड क्वेश्चन है या नहीं, अभी मुझे क्रॉस चेक करना। Directory structure that is from the 74 page number. डायरेक्टरी का मतलब यही होता है, फाइल्स और एक फाइल्स इंफॉर्मेशन सारा एक साथ स्टोर करते हो। ये जो क्वेश्चन है दैट इज डिफरेंट फाइल एलोकेशन, यूजर्स ऑफ राइट द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बोला। अभी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स में कंस्ट्रक्ट एंड एक्सप्लेन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ अ फाइल्स इन टर्म्स ऑफ टू लेवल एंड ट्री। ऐसे आपके तीन स्ट्रक्चर्स हैं डायरेक्टरी में, सिंगल लेवल स्ट्रक्चर्स, टू लेवल एंड योर ट्री लेवल, दैट इज हायरार्किकल जिससे बोला जाता है। अभी सिंगल लेवल बोलोगे तो जिसमें एक रूट डायरेक्टरी और एक ही आपका क्या होगा इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए फाइल्स होगी,
तो वो होता है सिंगल लेवल डायरेक्टरीज, जहाँ पे हर एक यूजर्स के इंडिविजुअल डायरेक्टरीज क्रिएट किए जाएंगे, सिंगल रूट डायरेक्टरी होगा और उसके अंदर आप फाइल स्टोर कर सकते हो। अब इसका एडवांटेज ये है, आप जल्दी फाइल ट्रैक कर सकते हो सिंगल लेवल डायरेक्टरीज जल्दी, कैसे, क्योंकि आपका हर एक डायरेक्टरीज क्या होने वाला है, सिंगल होने वाला है। मोर देन दैट इट इज नॉट पॉसिबल। तो सिंगल का मतलब भी होता है कि आपका एक रूट डायरेक्टरी है, उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स हो सकते हैं, मतलब आपका एक से ज्यादा फाइल स्टोर करना है, बट रूट डायरेक्टरी एक ही होता है, मास्टर फाइल जो होता है वो एक ही होता है। डिसएडवांटेज ये है कि हर एक यूजर का हर एक रूट डायरेक्टरी बोलोगे तो लाइक अलग अलग इंडिविजुअल बनेगा, तो मल्टीपल डायरेक्टरीज होंगे तो दैट इज लाइक योर डिसएडवांटेज, वहाँ पे मेमोरी स्टोरेज। तो हर एक इंफॉर्मेशन जो आपको फाइल स्टोर करना है उसके लिए इंडिविजुअल डायरेक्टरी होने, तो ये डिसएडवांटेज है कि उतना सारा डायरेक्टरीज क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगेन उतने क्रिएट करना है तो मतलब उतना स्टोरेज यूटिलाइज करेगा। उसके अलावा आता है सेकेंड लेवल, दैट इज टू लेवल डायरेक्टरीज। टू लेवल बोलोगे तो एक मास्टर, उसके अंदर है आपके यूजर्स के डायरेक्टरी और उसके अंदर आपके फाइल, दैट इज टू लेवल डायरेक्टरी। तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में वही बोला कि आप टू लेवल एक्सप्लेन करो और साथ ही साथ थ्री, मतलब थ्री लेवल या हायरार्किकल लेवल से एक्सप्लेन करो। अब इसमें यही प्रॉब्लम है कि आपका एक यूजर को डायरेक्टरीज डिफाइंड होगा, तो यू विल हैव वन मास्टर फाइल एंड अनदर विल बी द यूजर डायरेक्टरीज एंड उसके बाद आपके फाइल्स ट्रेस करो। तो हर एक यूजर का, अब सिंगल लेवल में क्या था, उतने सारे फाइल्स के नाम, उतने सारे यूजर्स के नाम आपके सब इंडिविजुअल होने चाहिए एंड यूनिक होने। अब यहाँ पे अगर आपको कोई फाइल का नाम सेम भी होता है तो दैट इज ओके, क्योंकि आप डिफरेंट यूजर्स के डायरेक्टरी में सेव करते हो, सेम डायरेक्टरीज में सेम नहीं होता, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है सिंगल लेवल। तो ये चीज भी यहाँ पे तुम्हारा सॉर्ट होता है, दैट इज इन टू लेवल डायरेक्टरी। कोई भी एक फाइल डिलीट करना है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन वो ये कि अगर यूजर ने राइट दिया होगा तो ही अलाउ किया। अगर आप डायग्राम देखोगे तो दैट इज यूजर का एक मास्टर डिग्री, उसके अंदर एक डायरेक्टरी, इसके अंदर आप फाइल्स क्रिएट करो, तो आप कितने भी फाइल्स क्रिएट कर सकते हो, बट वही है कि यूजर के अंदर एक और डायरेक्टरीज होगा, दैट इज रूट डायरेक्टरी, उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन आप सेव करो। आप टू लेवल में वही है कि आप मल्टीपल डायरेक्टरीज बना रहे हो, हर एक यूजर का आप सेग्रीगेशन होता है, तो थ्री लेवल में तो थ्री लेवल में यही है कि वहां पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, तो वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में रहेगा। हर एक मास्टर डिग्री होगा, दैट इज मास्टर रूट डायरेक्टरी होगा, उसके अंदर आप मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर सब डायरेक्टरीज होंगे एंड सब डायरेक्टरीज के अंदर आपका क्या होगा, फाइल्स होंगे, लाइक योर मल्टी लेवल बोल सकते हो या ट्री स्ट्रक्चर बोल सकते हो। तो एक ट्री में जैसे सिंपल है, एक रूट होता है और उसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ओके, तो ब्रांचेस के अंदर तुम्हारे फाइल स्टोर करना है, तो आप ब्रांच डायरेक्टली भी फाइल स्टोर कर सकते हो, इफ यू वांट यू कैन स्टोर इन योर डायरेक्टरीज आल्सो। तो मल्टीपल डायरेक्टरीज के अंदर आपके फाइल स्टोर करो, तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में जैसे रहेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसा सपोज आपको टीवाई का एक फोल्डर क्रिएट करना है आपके स्पेसिफिक टीवाई के रिलेटेड, अब उसमें सेम फाइव वाला सेम सिक्स अलग, सेम फाइव में पांच सब्जेक्ट है, उसके अंदर आपके कुछ कंटेंट्स होंगे, तो पांच फोल्डर्स बनाओगे, पांच फोल्डर्स पांच सब्जेक्ट्स है जो भी, तो CSS then OS then etc, सो उसके अंदर आप फाइल्स सेव करोगे। तो ये क्या कर रहे हो आप, लेवल वाइज क्या कर रहे हो, आपके फाइल्स ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो एज पर मतलब प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन आपके थ्री लेवल में होता है। बट अगेन इट इज हैविंग मेनी, दैट इज व्हेनेवर यू वांट टू जस्ट फाइंड आउट योर फाइल्स, दैट लोकेशन शुड बी प्रॉपर, दैट पाथ शुड बी प्रॉपर, एब्सोल्यूट पाथ होना चाहिए, दैट इज मतलब सारा एग्जैक्ट पाथ डिफाइन होना चाहिए, आपको कौन सा फाइल चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे डायरेक्टरीज होंगे, ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ डायरेक्टरी के नाम सेम, तो आपको कौन सा फाइल चेक करना है, ये प्रॉपर पाथ अगर आप ना दो तो यहाँ पे प्रॉब्लम दे समझा? यस मैम। अब हम मार्क्स के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस जो दिए हैं वो एक बार देख लेते हैं। अभी ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किया था लास्ट सेशन में रिवीजन में, दैट इज 2 मार्क का क्वेश्चन था, ये बोर्ड पेपर्स के क्वेश्चन है कि डिफाइन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लिस्ट एंड इट्स 4 एप्लीकेशन ओके। अब रियल टाइम ओएस होता क्या है, तो दैट इज लाइक टाइम फिक्स कंस्ट्रेंट के हिसाब से काम करता है, एम्बेडेड टाइप का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है,
वो तो उसमें दो टाइप आते हैं, एक तो हार्ड रियल टाइम होता है और सॉफ्ट रियल टाइम होता है। अभी बस इसमें आपको ये पूछा है कि डिफाइन करना है, एक्सप्लेनेशन नहीं देना, दैट इज टू मच। तो आप डिफाइन करोगे रियल टाइम, दैट इज इसमें से कोई भी डिफाइन एक कर सकते हो, रियल टाइम सिस्टम हैज वेल डिफाइंड फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग शुड बी डन विद इन डिफाइंड, मतलब उसका काम वही होता है जो कंस्ट्रेंट रहेगा, जो उसको स्पेसिफिक है। जैसे कि सिंपल है, आपका टीवी हो गया या आपका एसीज हो गए, तो ये जो डिवाइसेस है उनको अलग टाइप का ओएस लगता है, तो वो स्पेसिफिक टाइम में ही ऑपरेट करता है, वो विद इन एक टाइम के अंदर रिप्लाई करता है, रिवर्ट करता है। अदर देन दैट, उसके अलावा इसमें पूछा गया कि लिस्टेड एनी फोर एप्लीकेशन, फोर एप्लीकेशन मतलब वो बेसिकली वही है, कोई भी एप्लीकेशन में आप कहाँ पे यूज कर दो, जैसे कि सिमुलेशन हो गए, दैट इज वर्चुअल सिमुलेशन होते हैं, इमेजिनेशन डिवाइसेस होते हैं आपके, या फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स हो गए, तो ये सारे कोई भी चार आपको बताना है। तो यहाँ पे लिखा है फ्लाइट कंट्रोल सिमुलेशन, इंडस्ट्रियल, मिलिट्री एप्लीकेशन, ये सब स्पेसिफिक लोगों के स्पेसिफिक टर्म्स के लिए आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन होता है, उसके अलावा वो किसी और चीजों में काम नहीं करता। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है फोर सर्विसेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है, फोर मार्क के लिए भी, टू मार्क के लिए, दो मार्क के लिए भी पूछा जाता है, चार मार्क के लिए भी पूछा जाता है। अभी यहाँ पे दो मार्क के लिए पूछा गया, तो एक्सप्लेन एनी फोर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओएस, तो आपको एक्सप्लेन कोई भी करना है, कोई भी चार सर्विसेज, एक्सप्लेन बोला है तो अलग हो जाता है, लिस्ट बोला तो अलग होता है, लिस्ट बोला है तो आपको लिस्टिंग करना है, एक्सप्लेन बोला तो आपको एक्सप्लेन करना है, वन वन लाइन में एक्सप्लेन करना है। तो कोई भी चार एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट इज यूजर इंटरफेस हो गया, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया, ये सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है जो आपका ओएस मैनेज कर पाता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, ऐसे अलग अलग सर्विसेज हैं। यहाँ पे वही डीप में दिया है, यूजर इंटरफेस क्या होता है, जो इंट्रैक्शन करता है, CLI, GLI, बैच इंटरफेस, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन प्रोवाइड किया जाता है, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, अदर देन दैट आपका कम्युनिकेशन करता है। तो टोटल इट हैज नाइन सर्विसेज, एरर डिटेक्ट कर सकता है, रिसोर्स एलोकेशन कर सकता है, तो ये सारे सर्विसेज है, अकाउंटिंग करता है, मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कब स्टार्ट हुआ है, कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, किसने स्टार्ट किया, कौन सा यूजर है, कब तक यूज कर रहा है, वो सारा डिटेल्स मेंटेन करता है। उसके अलावा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी मेंटेन किया जाता है, तो आपको कोई भी प्रोसेस को कुछ आपके एप्लीकेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ ऐसा मैनेज करना है, तो वो प्रोटेक्शन वो पर्टिकुलर फाइल्स को मैनेज करना या एक्सेसिंग देना या पासवर्ड सेट करना, ये सारी चीजें आपके सारे सर्विसेस आपके ओएसएस के। अभी दो मार्क का है तो आप डीप में एक्सप्लेन नहीं करने वाले हो, आप स्मॉल एक तरीके से लेसर पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करना, और कोई भी चार पॉइंट एक्सप्लेन करना, टोटल नाइन है, सेम इफ इट इज आस्क्ड फॉर दी फोर मार्क्स, सारे एक्सप्लेन नहीं करने, चार ही एक्सप्लेन करने। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सप्लेन एनी फोर, सो दैट इज बेसिकली कोई भी चार आपको जो याद रहेंगे वो चार एक्सप्लेन करो। अब इसके बाद लिखा है ड्रॉ प्रोसेस स्टेट डायग्राम, प्रोसेस स्टेट डायग्राम का मतलब क्या है, आपका प्रोसेस जो होता है फाइव स्टेट पे काम करता है, तो फाइव स्टेट कौन कौन से, न्यू हो गया, रेडी हो गया, वेटिंग हो गया, टर्मिनेशन हो गया एंड रनिंग हो गया, तो इसका प्रॉपर इंटरनल पार्ट भी एक्सप्लेन करना है कि न्यू के बाद वो रेडी में जाता है, रेडी के बाद वो रनिंग में जाता है, जैसा उसको शेड्यूल किया होगा जिस हिसाब से प्रोसेस को, उसके बाद अगर कुछ इंटरप्शन आएगा तो इट गोज विद इन दैट इज इनपुट आउटपुट इंटरप्शन, सो इट विल गोज विद वेटिंग, देन अगेन इट विल गो विद योर रेडी फेस, जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक वो साइकिल इंटरप्शन चलते रहते हैं, एंड देन आफ्टर दैट इट गोज विद योर टर्मिनेशन। तो ये साइकिल आपका जो डायग्राम है ये प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर बनना चाहिए, उसके अलावा उसमें टर्म्स लिखे भी रहने चाहिए, सिर्फ डायग्राम बना के छोड़ना नहीं है, जो भी है एडमिट होता है, एग्जिट होता है, इंटरप्शंस है, वो टर्म्स भी लिखे, तो दो मार्क आपको प्रॉपर मिलेगा। और अभी ड्रॉ पूछा है तो ड्रॉ करना है, बट अगर लिखा है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन प्रोसेस स्टेट डायग्राम दैट विल कम फॉर फोर मार्क्स, तो ड्रॉ भी करना है और प्रोसेस स्टेट के टर्म्स को एक्सप्लेन करना है, दैट इज न्यू, रेडी एंड फाइव, जो फाइव स्टेट है उसको एक्सप्लेन करना है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइव स्टेट प्रोसेस मॉडल। तो अगर क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने के लिए आया कि एक्सप्लेन फाइव स्टेट प्रोसेस मॉडल, दैट मीन्स यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, तो ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि प्रोसेस फाइव स्टेट प्रोसेस मॉडल क्या होता है,
यही होता है और कुछ अलग नहीं। ठीक है, क्लियर है? यस। सो नाउ नेक्स्ट इज फोर शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज है। अलग अलग शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज कौन कौन से होते हैं? तो रेस्पॉन्स टाइम हो गया, वेटिंग टाइम हो गया, सीपीयू यूटिलाइज करता है, टर्न अराउंड टाइम हो गया। तो आप कौन से क्राइटेरियाज पे आपके प्रोसेस शेड्यूल दिए जाते हैं वो एक्सप्लेन करना है। तो सीपीयू यूटिलाइज करता है, जितना पॉसिबल है आपकी सीपीयू को बिजी रखेगा। अदर देन दैट थ्रूपुट होता है, जो बेसिकली हर एक जो भी तुम्हारा प्रोसेस होता है कितना नंबर ऑफ टाइम लगाएगा कंप्लीट करने के लिए, तो वो कंप्लीशन टाइम मेजर करता है। उसके अलावा टर्न अराउंड टाइम, दैट इज योर टाइम इंटरवल जो प्रोसेस जब तक कंप्लीट ना हो जाए टोटल, जो भी प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने के लिए। वेटिंग टाइम, दैट इज बेसिकली हर एक प्रोसेस को अपना एक वेटिंग टाइम डिफाइन होता है, दैट इज ऑलरेडी इट इज इन दी रेडी क्यू, बट जैसे प्रोसेस शेड्यूल होगा जब वो कितने देर तक के लिए रुक रहा है वो गया आपका वेटिंग टाइम। तो ये सारे अलग अलग क्राइटेरियाज है। बेसिकली इट विल कम फॉर, इफ इट इज कमिंग फॉर 2 मार्क्स तो आपको सिर्फ लिस्ट करना है, अगर 4 मार्क्स आएगा तो आप एक्सप्लेन नहीं करना। अब यहाँ पे एक्सप्लेन एनी 4 शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज है, तो शॉर्ट में एक्सप्लेन करो सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होता है, देन थ्रूपुट क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रेस्पॉन्स टाइम, कोई भी शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज एक्सप्लेन कर सकते हो, जरूरी नहीं है मतलब क्राइटेरियाज में जो है वही एक्सप्लेन करना है, कोई भी 4 कर सकते हो। रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है, कितना टाइम में आपका पर्टिकुलर सिस्टम या प्रोसेस रेस्पॉन्स करता है जब भी आप रिक्वेस्ट कर दो, तो वो कब तक, जब तक रेस्पॉन्स नहीं करेगा तब तक वो एक तरीके से आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, मतलब वो कितना टाइम ड्यूरेशन लगाएगा वो क्या आपका रेस्पॉन्स टाइम। तो ये सारे क्राइटेरियाज है। देन इट कम विद डिफाइन वर्चुअल मेमोरी। अब वर्चुअल मेमोरी 2 मार्क के लिए आप पूछा जाता है, वर्चुअल मेमोरी होता क्या है? वर्चुअल मेमोरी ऐसा डिवाइस है आपके सिस्टम का जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, डायरेक्टली बोलोगे तो हार्डवेयर सिस्टम या सॉफ्टवेयर सिस्टम को कैसे ऑपरेट करना है, कहाँ पे किधर स्टोर करना है, ये सब वर्चुअली हैंडल है। डिस्क में कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, तो दैट इज वर्चुअल मेमोरी, कि तुम कहाँ पे एक एक्सेस दे दो तुम्हारे डिवाइस में स्टोर करने के लिए। तो वर्चुअल मेमोरी इज द मेमोरी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो अलाउ करता है कंप्यूटर को। फिजिकल मेमोरी जो भी अगर नहीं रहता है, बेसिकली वर्चुअल मेमोरी हम तभी यूज करते हैं जब हमारे पास हमारा मेन मेमोरी बिजी होता है। तो फिजिकल मेमोरी जब भी जो हो पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, टेम्परेरी स्टोरेज यूज करते हैं जो पॉसिबल है, जहाँ पे हमारा डिस्क में, हमारे डिवाइस में, हमारे रैम में, जो टेम्परेरी वे से क्या कर सकते हैं, डेटा क्या करेगा, एक स्टोर कर सकता है, इसलिए हम वर्चुअल मेमोरी का यूज करते हैं हमारे डिवाइस के अंदर। बहुत बड़ा होता है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा होता है वर्चुअल मेमोरी, वो डिवाइड किया हुआ जो भी तुम्हारा सेक्शन होता है दैट इज ह्यूज, आपके रिक्वायरमेंट के प्रोसेस के हिसाब से डिपेंडेंसी होती है कि वो कितना स्टोरेज कैपेसिटी लेने वाला है, उस हिसाब से वो एलोकेशन दिए जाते हैं। देन इट कम्स विद दिस, बेसिकली इट हैज बीन आस्क्ड फॉर मल्टीपल टाइम्स कि कमांड्स क्या होते हैं, सिंटैक्स क्या होते हैं, सिंटैक्स कौन से है। तो अभी यहाँ पे स्लीप और किल ये पूछा गया है, तो स्लीप कमांड के इसमें तुमको लिखना है स्लीप करके नंबर, कितने देर तक तुम स्लीप करना चाहो, मतलब तुम्हारा प्रोसेस कितने देर स्लीप करेगा। अदर देन दैट किल, तो किल के बाद तुम लिखोगे PID, डायरेक्टली तुमको वो सिर्फ कमांड मेंशन करना है, बाकी कुछ एग्जांपल वगैरह पूछा नहीं है, सिर्फ सिंटैक्स फॉर दी फॉलोइंग कमांड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके अंदर के बोलोगे तो लाइक प्रोसेस के अंदर के तुम्हारे अलग अलग ऑप्शन पूछे जाते हैं, किल है, वेट है, 4-5 कमांड मैंने बताए थे, वही ज्यादा ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रोसेस हो गया, लिस्टिंग हो गया, ओपन हो गया, और लिस्टिंग ओपन डायरेक्टरीज कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब लिस्ट कैसे करना है, डायरेक्टरी क्रिएट करना है, 4-5 कमांड्स है जो बार बार पूछे जाते हैं। प्रोसेस के रिलेटेड पूछा जाता है, प्रोसेस, वेट, किल, देन स्लीप, उसके अलावा टर्मिनेट करना, टर्मिनेट के लिए ही होता है एग्जिट बोला जाता है, टर्म्स पे डिपेंड करते हैं। डिस्क्राइब एनी 4 एट्रीब्यूट्स। अब ये एट्रीब्यूट्स पूछोगे तो एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं ये पूछा गया, आपको वही बताना है कि नेम होता है, टाइप होता है, लोकेशन होते हैं,
कौन से टाइप का फाइल है, फाइल का नाम क्या है, आइडेंटिफायर बोलोगे तो जो यूनिक वे से आपका फाइल आइडेंटिफाई होता है, नेम्स जो होता है जो ह्यूमन रीडेबल है, नहीं उतना डीप में नहीं आया अभी तक. लोकेशन हो गए, साइज क्या है फाइल साइज, प्रोटेक्शन कितना दिया है, रीड करना राइट करना, कब क्रिएट किया है, तो वो सारा डिटेल्स मेंटेन करना है. तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है. लिस्ट बोला है तो आपको लिस्ट करना है, बट अगर एक्सप्लेन बोला है तो आपको डीप में एक्सप्लेन करना है. देन इट कम्स विद डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टी प्रोग्राम एंड मल्टी टास्किंग. इसमें से कोई भी दो पॉइंट लिखना है. मल्टी टास्किंग होता क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है. मल्टी प्रोग्रामिंग बोलोगे तो मल्टीपल प्रोग्राम को एक साथ हैंडल करता है साइमल्टेनियसली, और मल्टी टास्किंग बोलोगे कि मल्टीपल प्रोग्राम्स को हैंडल करता है, मतलब मल्टीपल एप्लीकेशन को हैंडल करता है एट द सेम. ओके, ये एक डिफरेंस भी चलेगा. अभी यहाँ पे दो मार्क के लिए तो कोई भी आप एक पॉइंट मेंशन करोगे दैट इज नथिंग, वन मार्क के ईच फॉर योर स्पेसिफिक डिफरेंशिएट. अगर दो मार्क के लिए आया तो आपको डिफरेंट ज्यादा बताना, तो वहां पे आपका लिस्टिंग ज्यादा बढ़ेगा. अभी कॉन्टैक्ट स्विचिंग होता है, उसके अलावा टाइम शेयरिंग करता है, क्योंकि ये टाइम शेयर पे भी डिपेंड करता है. अभी इसमें बहुत सारे प्रोसेस है. अभी बोलोगे तो एग्जीक्यूशन होता है, रिड्यूस करता है, आइडल सीपीयू टाइम जो है बहुत कम होता है, ये सेम टाइम पे मल्टीपल चीजों मल्टीपल एप्लीकेशन पे काम करता है, तो सीपीयू तुम्हारा ज्यादा बिजी होगा. एक जॉब पे काम करता है, ये मल्टीपल जॉब पे काम करता है, जैसे तीन एप्लीकेशन तुम यूज करो, ये एक ही एप्लीकेशन के मल्टीपल प्रोग्राम यूज करता है, तो वो डिपेंडेंसी होती है, तो उस हिसाब से काम करेगा. इट टेक्स मैक्सिमम टाइम टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस. ये बोलोगे तो लाइक मैक्सिमम टाइम लेगा तुम्हारा, मैक्सिमम टाइम टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस इट टेक्स द मैक्सिमम टाइम टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस, सेम ही दोनों सेम डिफरेंस हो गया. मैक्सिमम टाइम टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस, ये मल्टीपल जॉब्स आएंगे, मल्टीपल एप्लीकेशन के जॉब, ये और ज्यादा टाइम लगाएगा क्योंकि एक ऑपरेशन नहीं होगा. अब ये देखो, ये लिस्ट पूछा गया है, लिस्ट एनी फोर. पहले ऊपर जो था वो एक्सप्लेनेशन था, वो फोर मार्क के लिए मुफ्त आएगा, ये जो है दो मार्क के हिसाब से आएगा. तो यहाँ पे सिर्फ आप लिस्ट करना है, और चार ही बोला तो चार छोड़ के लिख के छोड़ दोगे तो भी चलेगा. उसके अलावा प्रोसेस और पीसीबी, प्रोसेस क्या होता है, पीसीबी क्या होता है. प्रोसेस बोलोगे तो एक जॉब होता है जो एग्जीक्यूट कर रहा है एक टाइम के अकॉर्डिंगली हमारे सिटी में, तो प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड अ टास्क जॉब, जो भी है जो काम कर रहे हो. पीसीबी बोलोगे, पीसीबी तुम्हारे प्रोसेस का डेटा मेंटेन करता है, जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में कब स्टार्ट होना चाहिए पूरा डिटेल रहेगा इन्फॉर्मेशन तुम्हारे प्रोसेस से रिलेटेड. लास्ट सेशन में क्यों नहीं आए थे, मैंने ये सारी चीजें वापस से एक्सप्लेन की थी. डिफाइन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट बस साइड. अभी सीपीयू बस टाइम और सीपीयू और इनपुट आउटपुट बस टाइम का डायग्राम भी पूछा जाता है, और साथ में एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाता है. अभी ये दो मार्क का है, तो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है, दैट इज मतलब डिफाइन करना है. अभी डिफाइन बोलोगे सीपीयू बस टाइम क्या होता है, सीपीयू कितने टाइम तक यूटिलाइज कर रहा है, कितना टाइम बिजी हो गया, वो हो गया आपका सीपीयू बस टाइम. और इनपुट आउटपुट मतलब आपका जो आप रिसोर्सेज यूज कर दो, इंट्रैक्शन कर दो, तो वो रिसोर्सेज कितने टाइम तक यूज कर रहा है या कितना टाइम लगा रहा है वो प्रोसेस को काम करने के लिए, वो हो गया इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम. सीपीयू बर्स्ट टाइम मतलब आपका जब प्रोसेस हो रहा है तो वो कितने टाइम तक तुम्हारा सीपीयू उस प्रोसेस के लिए बिजी है, और इनपुट आउटपुट जो इंट्रैक्शन होते हैं उस प्रोसेस के रिगार्डिंग, तो वो कितना ड्यूरेशन है. सो दैट इज इट इज अ टाइम पीरियड व्हेन प्रोसेस इज बिजी विद सीपीयू. Next is input output. It is a time period when process is busy in working with input output resource. तो ये अलग अलग चीजें हैं. अब ये paging segmentation दो मार्क के लिए भी आता है. अभी देखो फिल और वापस इसलिए पूछा गया file operation. अभी differentiate paging and segmentation. Paging का मतलब ये होता है That is big.
आप जो भी पेजेस एलोकेट कर दो वो पेजेस के अकॉर्डिंगली डायफिक्स रहेगा, उतनी ही जीपीएस पेजेस में एडजस्ट करने वाला है। उसके अंदर हमारा पेज ऑफसेट और पेज तुम्हारा पेज ऑफसेट और एक पेज नंबर डिफाइन किया जाता है, इसमें सेगमेंट टेबल और सेगमेंट ऑफसेट होता है। उसके अलावा ये वेरिएबल होता है, दैट इज डायनेमिक, हर एक प्रोसेस चेंज हो जाता है, जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। फिक्स है करके चेंज नहीं होता, तो वेस्टेज ऑफ डायनेमिक्स में वेस्टेज कम होता है, इसमें वेस्टेज ज्यादा मेमोरी का होने के चांस होते हैं। और उसके अलावा फास्टर है, क्योंकि आप फिक्स्ड है तो आपको एक्सेस करना, मेमोरी एलोकेशन करना वो इजी होता है। अब ये डिफिकल्ट क्यों होगा, क्योंकि हर एक का वैल्यू अलग होगा, किसी का 200 होगा, किसी को 500 होगा, किसी का 10,000 होगा, तो ये ट्रेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए एक्सेसिंग मेमोरी एलोकेशन, मुझे कहाँ पे कौन सा जगह खाली है, कितना एडजस्ट करना है, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे सेगमेंटेशन। तो ऐसे 2-3 पॉइंट्स आप मेंशन करोगे, दैट इज ओके। तो पेजिंग टेक्निक्स बोलोगे तो लाइक उसका खुद का फ्रेगमेंटेशन डिफाइन है, उसमें फ्रेगमेंटेशन करने की वो वर्क एक बेटर होता है। किल एंड स्लीप रिपीट है, अब एनी फोर लिस्ट बोला है तो एक्सप्लेनेशन नहीं है। लिस्ट एनी फोर फाइल ऑपरेशन, पहले जो था फाइल एट्रीब्यूट था, अभी ऑपरेशन, फिर उसके अलावा फाइल मेथड, तीन अलग अलग टर्म। ऑपरेशन बोलोगे तो अलग हो गया, एट्रीब्यूट बोलोगे तो अलग हो गया, और एक्सेस मेथड बोलोगे तो वो अलग हो गया। ऑपरेशन यानी कि क्या क्या ऑपरेशन क्रिएट करते हो, जैसे कि क्रिएट, उसके अलावा ओपन करना, क्लोज करना, डिलीट करना, रीनेम करना, ये सारे ऑपरेशन होते हैं। क्रिएटिंग अ फाइल, राइटिंग अ फाइल, रीडिंग अ फाइल, रिपोजिशनिंग, डिलीटिंग, अपेंडिंग मतलब अपडेट करना, रीनेम करना, कॉपी क्रिएट करना एक जगह से दूसरी जगह, तो ये सब आपका किसके लिए, तो दैट इज ऑपरेशन। एक्सेस मेथड बोले तो कंटिग्यूस, लिंक लिस्ट, ये सारा, इंडेक्सिंग, वो आपका हो गया एक्सेस। ओके, इतना क्लियर है? यस मैम। अब 4 मार्क्स के इसमें एनलिस्ट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस इन डिटेल। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कितने हैं आपको सारे लिस्ट करने, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है दैट इज मल्टी प्रोग्रामिंग, तो उसको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना, तो ये आपको 4 मार्क्स डिटेल में मिलना है। अभी लिस्ट बोलोगे तो जितने भी है सारे बताने हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड, रियल टाइम, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी टास्किंग, क्लस्टर्ड हो गया, डेस्कटॉप हो गया, तो आपके जितने भी टाइप के बैच सिस्टम हो गए, रियल टाइम ओएस हो गया, तो ये जितने भी टाइप के हैं वो सारे एक्सप्लेन लिस्ट करना है, और ये बाकी एक्सप्लेन मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस तो आपको 3 मार्क के लिए, तो मल्टी प्रोग्रामिंग होता क्या वो बताओगे। तो मल्टी प्रोग्रामिंग बोलोगे तो वहाँ पे मोर देन वन एप्लीकेशन पे काम, सॉरी मोर देन वन प्रोसेस पे काम करेगा विद योर वन एप्लीकेशन, तो जॉब आप सेलेक्ट करोगे कि कौन से जॉब पर्टिकुलर प्रोसेस पे काम करना है, उस हिसाब से वो क्यू में जाएगा और एग्जीक्यूट करेगा, मतलब आपको कौन सा एक्शन करना है, आपके पास बहुत सारे प्रोसेस है, आपको कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है वो आपके ऊपर है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो वो क्यू में रहेगा, वैसा वो मेन मेमोरी में एलोकेट किया जाएगा, अकॉर्डिंगली वो वर्क करने वाला है। मल्टीपल तुम प्रोग्राम्स को हैंडल नहीं कर सकते हो, इसीलिए क्या करते हो, शेड्यूल करते हो। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में भी वही होता है कि आप एक साथ मल्टीपल जॉब्स पे काम नहीं कर पाते हो, करके आप क्या करते हो, शेड्यूलिंग करते हो, ताकि आपका काम पैरेलली चल सके, आपको जो भी एप्लीकेशन पे, जिस भी एप्लीकेशन पे काम करना है वो आप कर सको। तो ये सारी चीजों के लिए आप मल्टी प्रोग्रामिंग यूज करो। तो ये डायग्राम शो किया है, आपको कोई और डायग्राम याद है या पता है आप वो भी बना सकते हो। यहाँ पे वही दिया है कि प्रोग्राम एक वन ए बी सी ऐसा कोई प्रोग्राम है, एक रन कर रहा है थोड़े टाइम के लिए, बी वेट कर रहा है, फिर वो रन कर रहा है, उसके बाद वो वापस से तुम्हारा प्रोग्राम ए वेट कर रहा है, उसके बाद वो, क्योंकि वो शेड्यूल किया गया है तुम्हारे ओएस के हिसाब से, तो जो शेड्यूल किया रहेगा उस हिसाब से तुम्हारा प्रोसेस क्या करेगा, एक टाइम के हिसाब से एग्जीक्यूशन चलता जाएगा, वो एग्जीक्यूशन वैसे परफॉर्म करता रहेगा, दैट इज योर मल्टी प्रोग्राम। तो एक साथ मल्टीपल एप्लीकेशन पे काम ना करने की वजह से हम क्या करते हैं, शेड्यूल करके रखते हैं, ताकि आपका सीपीयू जो है उस पर लोड, वो लोड बैलेंस नहीं कर पाएगा करके हम वैसा काम करें।
then it comes with components of OS. Explain process management in detail. अभी components कौन कौन से है उसके बाद आपको process management detail में बताना है. तो दो मार्क के लिए listing हो गया और दो मार्क का process management जो भी है. तो process हो गया main memory, secondary memory, input output, file manage, secondary, ये सारा list करने के बाद आपको main process manage कैसे करता है. process management में वही होता है create करना process को कैसे है, तुम कौन सा process जो भी है operating system में कितने सारे जॉब्स होंगे जो आपको क्या करना पड़ेगा प्रोसेस करना है. तो उसमें प्रोसेस क्रिएट होगा, टर्मिनेट होगा, एलोकेशन होगा, रीएलोकेशन होगा. तो ये सारे ऑपरेशन है. वही यूजर कौन सा प्रोसेस लेना चाहता है, क्या प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, तो वो सारा पीसीबी में लोड करता है. पीसीबी का डेटा मेंटेन होगा जो भी आप प्रोसेस देख रहे होंगे, तो एंटायर एग्जीक्यूशन का कंटेंट मेंटेन करेगा. तो सारा प्रोसेस का डिटेल होगा, पीसी का, हमारे रजिस्टर्स का, ओएस का, जो भी है सारा इंफॉर्मेशन मेंटेन करेगा. एंड अगेन प्रोसेस मींस दैट इज अ होल प्रोग्राम, सॉरी दैट इज वन प्रोसेस, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम. एंड उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड होंगे, तो वो थ्रेड का कौन सा प्रोसेस काम करना चाहिए, कब चाहिए, कौन सा एग्जीक्यूशन होना चाहिए, वो सारा डिटेल्स मेंटेन करेगा. वो सारा एंटायर इंफॉर्मेशन मेंटेन करेगा. तो वो डिपेंडेंसी है कि कौन सा एप्लीकेशन है, उस हिसाब से क्या करेगा. पूरा एंटायर बोलोगे तो लाइक तुम्हारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोसेस, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोसेस, कि प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, कितना देर तक काम करेगा, कितना टाइम लगाएगा, वो कौन से रिसोर्सेस यूज करेगा कितने देर तक, ताकि मुझे वो रिसोर्सेस किसी और जगह लगेगा तो ब्लॉक होने के चांसेस है या नहीं. वो एंटायर चीजें ट्रैक करता है, वो एंटायर चीजें डिटेल मेंशन किया है. तो सिस्टम में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिटेल मेंटेन किया जाए, तो जो भी रहेगा पूरा प्रोसेस से रिलेटेड एंटायर डिटेल मेंटेन करता है. अब वो एप्लीकेशंस का भी होगा, प्रोसेस का भी होगा, जो भी है. तो ये एंटायर इंफॉर्मेशन तुम्हारा वहाँ पे डिटेल मेंटेन, तो दैट इज लाइक तुम्हारा कंप्लीट पिक्चर ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. जो भी रहेगा एंटायर डेटा ट्रैक करने के लिए डेटा मेंटेन करेगा. सारा इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज दी एप्लीकेशन टू बी मेंटेन सस्पेंडिंग, मतलब वो कब क्रिएट करना है, सस्पेंशन कब होना चाहिए, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, कम्युनिकेशन और डेडलॉक नहीं होना चाहिए. जो जैसे अभी थोड़ा टाइम पहले बताया कि आपको कौन सा रिसोर्सेज लगेगा, कब तक लगेगा, ये सारा डिटेल्स मेंटेन करता है अबाउट योर प्रोसेस, ताकि आपका प्रोसेस किसी भी वजह से इंटरप्ट हो, मतलब किसी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. तो एंटायर प्रोसेस का पूरा डिटेल मेंटेन करता है. प्रोसेस कब क्रिएट होना चाहिए, कब बंद होना चाहिए, कौन सा थ्रेड एक्टिवेट हो रहा है, वो कब स्टार्ट करेगा, इतने सारे प्रोसेस में कब वो वापस से रेज्यूम करना चाहिए, कितना टाइम तक उसको सस्पेंड करना, मतलब एक तरीके से स्टॉप करना है, क्लिक करना है, वो एक प्रोसेस हो जाना चाहिए. उसके बाद तुम्हारे पीसीबी में ही मेंटेन होता है, एक प्रोसेस हो गया तो दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए, दैट इज प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन. तो ये एंटायर चीज आपके प्रोसेस मैनेजमेंट का काम है, वो रोल मैनेज करता है बाय योर ऑपरेटिंग. एंड नेक्स्ट दैट इज नीड डायग्राम एक्सप्लेन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मॉडल. और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन इंटर प्रोसेस में एक क्वेश्चन या तो शेयर्ड के रिगार्डिंग पूछा जाता है या तो आपका मेमोरी के मैसेज पासिंग के रिगार्डिंग पूछा जाता है. अब यहाँ पे सिर्फ इंटर प्रोसेस देगा, मतलब आपको दोनों एक्सप्लेन करना. ओके, तो इंटर प्रोसेस होता क्या, दैट इज बेसिकली अ कोऑपरेशन बिटवीन यू, दैट इज अगेन कम्युनिकेशन बिटवीन दी प्रोसेस, कि वो कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, कैसे डेटा एक्सचेंज करना चाहिए, इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहिए. अब वो बेसिकली दो टाइप में डिपेंड करता है, वन इज शेयर्ड एंड अनदर वन इज मैसेज पासिंग. तो उसका डायग्राम कंपलसरी आपको बनाना. तो दिस इज द डायग्राम फॉर योर शेयर्ड मेमोरी, मतलब हर एक प्रोसेस के लिए आपका एक कॉमन शेयर्ड मेमोरी रहेगा, जिससे आपका काम कर्नल के थ्रू करो. तो आप कर्नल के थ्रू कम्युनिकेट करना चाहते हो, जितने भी प्रोसेस रहेंगे वो कॉमन काम शेयर्ड मेमोरी में एलोकेट किया जाएगा. और प्रोसेस जो भी है एलोकेशन होंगे वो कॉमन शेयर्ड मेमोरी से काम करवाएगा एड्रेस से, और आपका डेटा एक्सचेंज किया जाता है वन रन प्रोसेस टू दी अनदर. बट यही काम अगर हम बोले मैसेज पासिंग में, ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल मैसेज पासिंग होगा, वहाँ पे आपका डेटा हर एक का मेमोरी एलोकेटेड रहेगा, इवन एक मेमोरी कर्नल के थ्रू भी रहेगा. तो वहाँ पे सेम एड्रेस के थ्रू ही एलोकेट करना जरूरी नहीं है, आपका मैसेज वैसा पार्ट होगा, दैट इज विद द लोकल एंड ग्लोबल.
तो लोकल मेमोरी से डेटा क्या करेगा, फिर हर एक प्रोसेस से कम्युनिकेशन करेगा विद वन प्रोसेस टू द अदर। तो ये मॉडल वैसे ही काम करता है, एक्सचेंज करता है दोनों प्रोसेस के बीच में मैसेज एक्सचेंज करता है, सिंक्रोनाइज किया जाता है। एंड जरूरी नहीं है आपके पास सेम एड्रेस होना चाहिए, कॉमन स्पेस होना चाहिए, आपके जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है दैट इज ग्लोबल मेमोरी उसके थ्रू भी आपका इंफॉर्मेशन शेयर करता है, वहां से भी आपका मेमोरी कम, क्योंकि पॉसिबल है शेयर मेमोरी हमेशा फ्री ना हो और वो बिजी हो, तो उसके वजह से हमको ये प्रॉब्लम आता है करके हम क्या करते हैं, एक खुद का स्पेस रहता है जिससे हमारा कम्युनिकेशन हम स्टैब्लिश कर सकते हैं, दैट इज नेटवर्क क्रिएट करके हमारा कम्युनिकेशन करनी भी है। ओके, तो वैसा वो कम्युनिकेट करता है, उस तरीके से काम करता है। अगेन आपका जो भी मैसेजेस है वो कर्नल के थ्रू ट्रांसमिट होता है, डेटा कर्नल के थ्रू ही जाएगा, बट आपके खुद के मेमोरी के थ्रू भी ट्रांसमिशन कर सकते हो, कॉमन स्पेस की जरूरत है। में दोनों डायग्राम बनाना जरूरी है। अभी ये क्वेश्चन डिस्क्राइब इनपुट आउटपुट एंड सीपीयू बर्स्ट टाइम, ये ऑलरेडी एक बार पूछा गया था फॉर 2 मार्क्स, दैट वाज डिफाइंड, नाउ हियर इट इज डिस्क्राइब। तो सीपीयू टाइम क्या होता है, इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम क्या होता है, वो आपको एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद एक डायग्राम होगा ये कि आपका प्रोसेस कैसे काम करता है, किस वे से काम करता है। तो सीपीयू बर्स्ट टाइम क्या होता है और तुम्हारा इनपुट आउटपुट, क्योंकि सीपीयू बिजी रहेगा तब तक तुम्हारा सिंपल है, अगर सीपीयू में कुछ काम लोड नहीं कर, क्योंकि सारा एक्शन जो होता है इनपुट आउटपुट मेमोरी आपकी सीपीयू के थ्रू होने से, तो अगर मेरा कोई काम हो रहा है तो सीपीयू बिजी है तब तक मेरा इनपुट आउटपुट एक्शन क्या करने वाला, वेट कर, अगर वो परफॉर्म हो रहा है तो अगेन सीपीयू क्या होगा, तुम्हारा वेट करने वाला है। तो ये जो एक्शन है वेटिंग प्रोसेस तुम्हारा जल्दी ही रहने वाला है फॉर सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट, but both are interacted, that is both are interdependent. Input output action हो रहा है तो वो CPU के थ्रू होगा, CPU का action हो रहा है तो input output किसी वजह से respond करने के लिए wait करेगा, क्योंकि आपका काम CPU से ही होने वाला है। तो ये diagram आपको compulsory बनाना है। अभी यहाँ पे ये लिखा है load store add store read from file, मतलब आपका ये क्या कर रहा है, CPU burst time में locate हो रहा है उतना time आपका पहले आप कौन सा काम करना चाहते हो वो load करेगा, उसके हिसाब से वो हमारे डिवाइस में ऐड होगा, दैट इज हमारे प्रोसेस में वो रीड करेगा जो भी फाइल आप एक्शन पहले ढूंढा जाएगा है या नहीं, अकॉर्डिंगली एलोकेट किया जाएगा और उसके हिसाब से रीड किया जाएगा। आप उतने टाइम तक के लिए आपका इनपुट आउटपुट एक्शन क्या हो रहा है, प्रोसेस क्यों है, वेट कर रहा है बिकॉज योर सीपीयू इज बीइंग बिजी विद द अदर प्रोसेस, तो वहाँ पे वेट फॉर इनपुट आउटपुट। उसके बाद स्टोर इंक्रीमेंट, मतलब हमारा नेक्स्ट कौन सा है वो जो भी एलोकेटेड रहेगा इंडेक्स के हिसाब से, तो राइट टू योर फाइल, मतलब हमको रियल राइट ऑपरेशन करना है तो वो, अगेन यू आर वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट एक्शन। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस सेम, कि ऐसा एक्शन रिपीटेड है, मतलब दिस इज फॉर वन प्रोग्राम दैट इज फॉर वन प्रोसेस एंड दैट विल बी रिपीटेड फॉर सेकेंड प्रोसेस थर्ड प्रोसेस, तो ऐसा रिपीटेशन तुम्हारा चलती रहे। तो ये चीज डिस्क्राइब करना जरूरी है कि पहले सीक्वल क्या होता है, इनपुट आउटपुट कैसे काम कर रहा है, साइकिल जो है आपका इनपुट आउटपुट का और आपका सीपीयू बर्स्ट टाइम का क्या होने वाला है, रिपीटेशन ये चलते ही रहने वाला है, ये वेट साइकिल बोलते हैं, इसलिए साइकिल बोला जाता है क्योंकि साइकिल क्या है, एक तरीके से एक टाइम के बाद वो साइकिल टाइम पीरियड के हिसाब से रिपीट कर, तो जो भी प्रोसेस स्टार्ट करेगा जब तक सीपीयू फ्री नहीं है तब तक वो एक तरीके से वेट करने वाला है, जैसे एलोकेट कर दिया एग्जीक्यूशन होगा फिर आप इनपुट आउटपुट के लिए क्या कर रहे हो, वेट करने वाले हो क्योंकि आपका प्रोसेस ऑलरेडी सीपीयू बिजी है विद द अदर प्रोसेस। तो ये जो काम है बोलोगे तो लाइक वाइस वर्सा है, एक काम कर रहा है तो दूसरा वेट कर रहा है, दूसरा काम कर रहा है तो एक फर्स्ट वाला वेट कर रहा है, इस तरीके से पूरा टोटल कैलकुलेशन उस तरीके से, तो जब तक वो कंप्लीट काम खत्म ना हो जाए, मतलब तुम्हारा जितने भी प्रोसेस उनको एलोकेट करके चाहिए, चार चाहिए तो चारों प्रोसेस हो जाने के, इनपुट के प्रोसेस के वर्क करने के, तो जब तक खत्म नहीं होता तब तक तुम्हारा प्रोसेस यानी कि साइकिल बन नहीं जाता, तब तक वो फाइनल कैलकुलेशन, फिर लास्ट में फाइनल कैलकुलेशन होता है कि तुमको ड्यूरेशन कितना लगा है ये साइकिल कंप्लीट करने के, ये इनपुट आउटपुट एक्शन या एक सीपीयू बर्स्ट साइकिल कैलकुलेशन, एक टोटल एग्जीक्यूशन ड्यूरेशन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस कितना लगा, इट कैन बी 10 सेकंड, इट कैन बी 5 सेकंड, डिपेंडेंट तुम्हारे प्रोसेस के ऊपर है कितना बड़ा है कितना टाइम छोटा। समझ में आया, अब ये क्वेश्चन आया गया, मैंने प्रीलिम में भी पूछा गया था,
ps command with any four application with any four options to koi bhi char options mention karoge that is relevant abhi ps command hota kya hai process jo process ka entire details maintain karega abhi kuch process जरूरी नहीं है हमको प्रोसेस ऑप्शंस के साथ देना है तो अगर हमने डायरेक्टली दी को प्रोसेस लिखा पीएस तो दैट विल गिव दी प्रोसेस डिटेल्स दैट्स इट मतलब तुम्हारा प्रोसेस कब बना कब टाइम टू लीव बोलोगे तो वो सारा डिटेल्स मेंटेन करेगा बट अगर ऑप्शंस दिया दैट जैसे कि हाइफन एफ जो पूरा एक्सप्लेन करेगा कि उसका यूजर कौन है उसका को पार्ट बोलोगे लाइक पेरेंट कौन है मतलब प्रोसेस का भी सेम चीज है जैसे थ्रेड होता है थ्रेड का पेरेंट होता है प्रोसेस तो वैसे ये प्रोसेस कहाँ से आया कुछ किसने क्रिएट किया कौन से यूजर के थ्रू ये प्रोसेस क्रिएट किया गया है तो वो हाइफन एफ का मतलब वो रहता है कि पूरा डिटेल मेंशन करेगा पूरा लिस्टिंग करेगा अबाउट योर प्रोसेस ओके उसके अलावा आपको सिर्फ ये बताना है कि इसको क्या काम करता है हाइफन एफ का काम क्या होता है एग्जाम्पल एक्सप्लेन नहीं करना प्रोसेस hyphen f का मतलब क्या है ओके समझ में आ रहा है क्या करना है देन hyphen u बोलोगे तो दैट इज यूजर का डिटेल्स बताएगा कोई भी एक स्पेसिफिक यूजर का डिटेल स्पेसिफाई करेगा उसके अलावा hyphen a सारे यूजर जितने भी हैं मैंने जितने भी यूजर ने प्रोसेस यूज कर रहा है वो सारा यूज करके मतलब वो शो करेगा हाइफन ई बोलोगे तो लाइक वो तुम्हारे यूजर और सिस्टम के जितने भी प्रोसेस हैं वो डिफाइन करेगा वो लिस्टिंग करके दिखाएगा कि कितने इसमें इंक्लूड कर दे तो कोई भी चार बोला है तो आप चार बता सकते हो और बहुत सारे अब ये मेन चार यही यूज ज्यादा करते हैं क्योंकि कितने प्रोसेस है किस यूजर ने क्रिएट किया मतलब कौन कौन से यूजर यूज कर रहे हैं दिस आर द फोर टू फाइव विच इज बेसिक जो नॉर्मली हम प्रेफर करते हैं फिर डेडलॉक अगेन डेडलॉक के रिगार्डिंग तीन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं डेडलॉक होता क्या है उसके अलावा दैट इज व्हाट इज डेडलॉक एंड नेसेसरी कंडीशंस प्रिवेंशंस क्या होते हैं और आपका अवॉइडेंस प्रिवेंशन कैसे प्रिवेंट करोगे अवॉइडेंस बोलोगे तो किस तरीके से अवॉइड करोगे किस वे से अवॉइड कर सकते हो तुम्हारा डेडलॉक ना डेडलॉक का मतलब क्या होता है बेसिकली जो बोलोगे तो लाइक एक अभी डेडलॉक से रिलेटेड तीन क्वेश्चन आता है एक डेडलॉक हो गया उसके नेसेसरी कंडीशंस क्या है प्रिवेंशन क्या होते हैं और अवॉइडेंस अभी तीन अलग अलग क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं सेम नहीं डेडलॉक का मतलब क्या होता है तो तुम्हारे नेसेसरी कंडीशन तो चार है होल्ड लिमिटेड और देन दैट ये आपके टीचर है जो मीटर एक्सक्यूज है चार जो नेसेसरी कंडीशन के दैट इज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस डेडलॉक का मतलब ये होता है किसी वजह से आपका प्रोसेस क्या हो गया लॉक हो गया प्रोसेस किसी दूसरे रिसोर्सेस की वजह से क्या हो रहा है बिजी तो उस वजह से कोई दूसरा प्रोसेस या वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर पाता परफॉर्म नहीं कर पाता तो उसमें नेसेसरी कंडीशंस कौन कौन से हैं तो एनी हाउ कोई ना कोई प्रोसेस आपका किसी ना किसी वजह से क्या कर रहा है एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है तो चार कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब हमारा यहाँ पे इस तरीके से ये डिफाइन करते हैं कि कौन सा प्रोसेस चलना चाहिए कौन सा रिसोर्सेस कब होना चाहिए कोल्ड एंड वाइट बोलोगे तो एक प्रोसेस काम कर रहा है वो यूज कर रहा है रिसोर्सेस तो एनी हाउ सेकेंड वाला उस रिसोर्सेस के लिए वेट करता है थर्ड हो गया आपका सर्कुलर वे यानी कि आपका प्रोसेस किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई प्रोसेस किसी दूसरे रिसोर्सेस को एक क्या कर रहा है वहाँ पे वेट कर रहा है वहाँ पे वो सर्कुलेशन फॉर्मेशन में वर्क कर रहा है अदर देन दैट उसके अलावा तुम्हारा एक टाइप आता है जो अभी प्रिवेंशन दैट इज नो प्रिवेंशन बोलोगे तो जहाँ पे तुम्हारा प्रोसेस जब तक काम कंप्लीट नहीं करता वो रिसोर्सेस को एक तरीके से क्या ब्लॉक करने वाला है ओके तो ये सर्टन क्वेश्चंस है जो आपको पूछा जाता है अब ये हो गया दैट इज नेसेसरी कंडीशंस के रिलेटेड
कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि प्रिवेंशन कैसे करोगे। प्रिवेंशन का मतलब ये होता है आप कैसे प्रिवेंट करने वाले, तो किस तरीके से डेडलॉक ना हो, यही कंडीशंस को आपको बताना है। दैट इज व्हाट यू हैव टू अटैक। प्रिवेंट का मतलब होता है हाउ टू प्रिवेंट, दैट इज अटैकिंग ऑन होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड योर नो प्रीएम्प्शन। आप कैसे अटैक करोगे? म्यूचुअल एक्सक्लूजन यही है कि हम पहले से शेड्यूल बना दें कि कौन सा प्रोसेस कब काम करने वाला, कितने देर काम करने वाला है। होल्ड एंड वेट दैट इज लाइक इफ यू आर मेकिंग प्रॉपर होल्ड एंड वेट, दैट इज हम पहले से डिफाइन कर रहे हैं मुझे ये रिसोर्सेज लगने वाले, तो आपके डेडलॉक होने के चांसेस कम है। ओके, तो उसमें सर्कुलर वेट भी हमारा कम होगा, होगा नहीं ऐसा नहीं है, बट इट विल बी लेसर देन द प्रीवियस। ये सर्टेन टाइप्स है जिससे हमारा ये प्रॉब्लम कम होता है। उसके अलावा क्वेश्चन आता है देन इट कम्स विद सर्कुलर वेट एंड नो प्रीएम्प्शन। नो प्रीएम्प्शन का मतलब ये होता है आपका रिसोर्सेज तब तक रिलीज नहीं करेगा जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं होगा। तो आप वो रिसोर्सेज पहले से बता दो ऐसे कौन कौन से कि आपके कॉमन रिसोर्सेज है जो प्रोसेस वन को भी चाहिए, प्रोसेस टू को भी चाहिए। तो हम उस तरीके से प्रॉपर शेड्यूलिंग बनाए, उस हिसाब से हमारा प्रॉपर डिफाइन करें ताकि ये चीज प्रॉब्लम हमको डील ना करें। और अवॉइडेंस में हम बैंकर्स एल्गोरिदम यूज करते हैं, दैट इज सेफ्टी एल्गोरिदम। बैंकर्स एल्गोरिदम का वही काम है कि हमारे मल्टीपल कस्टमर्स एक साथ आ सकते हैं, पॉसिबल है, बट हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेज है हम पहले से बता दें कि हर एक का सेक्शन डिफाइन कर दें इसका, जैसे बैंक में होता है सेक्शन बीच डिवाइड कर दिए जाते हैं, हर एक के लिए सेम लाइन नहीं होता, अलग अलग होते हैं। तो वैसे ही कौन से कस्टमर को सब जगह को कॉमन लाइन डिफाइन नहीं करते कि इसमें पैसे भरो, इससे पैसे निकालो, इसमें कुछ इंक्वायरी है तो करो, हर एक के लिए सेक्शन डिफाइन किया जाता है ताकि पैरेलली आपका सारा काम हो सके। तो अवॉइड करना का मतलब वो होता है हम किस तरीके से इग्नोर कर सकते, किस तरीके से हमको ये टाइम जो लग रहा है, ड्यूरेशन जो लग रहा है वो कम लग रहा है। इतना क्लियर है अबाउट डेडलॉक। देन इट कम्स विद प्रिवेंशन, सॉरी देन इट कम्स विद पार्टीशनिंग। अब पार्टीशनिंग भी लास्ट सेशन में लिया था, पार्टीशनिंग होता क्या है आप बोलोगे तो मेमोरी मैनेजमेंट टॉपिक है 5th यूनिट का। मेमोरी को कैसे मैनेज करते हो, किस तरीके से मेमोरी को डिवाइड किया जाता है इनटू मल्टीपल पार्टीशन, एंड इट इज ऑफ टू टाइप, वन इज फिक्स्ड एंड अदर वन इज वेरिएबल। फिक्स्ड यानी कि अब इसमें फिक्स्ड में फिक्स पार्टीशन का मतलब ये होता है आप डिफाइन कर दो दैट इज स्टैटिक, वहां पे कुछ चेंज नहीं होगा। वेरिएबल का मतलब होता है जो आप चेंज कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके वर्क के हिसाब से। तो अब फिक्स्ड में भी दो टाइप है, फिक्स्ड पार्ट में भी इक्वल साइज एंड अनइक्वल साइज। इक्वल साइज पार्टीशनिंग का मतलब क्या होता है, हर पार्टीशन आप इक्वल साइज में प्रोसेस के लिए डिफाइन करोगे भले उससे यूटिलाइज हो या ना हो। अनइक्वल साइज में क्या होगा, जहाँ पे आपके पार्टीशन तो होंगे, मल्टीपल पार्टीशन होंगे, हर एक प्रोसेस किसी प्रोसेस का फिट होगा, वो पर्टिकुलर प्रोसेस लोड करने के टाइम पे कोई प्रोसेस होगा जो प्रॉपर लोड नहीं करेगा, मतलब वो आप कैसा भी पार्टीशन करेंगे किधर 8 होगा किधर 10 होगा, बट आपके पार्टीशन 20 के अंदर ही होगा, मतलब पहला भी 20 है अभी भी 20 है, बट आपका यहाँ पे सेक्शन चेंज हो। आप डिवाइड जो भी कर रहे हो पहले से डिफाइन करोगे कि वहां पे 5 होने वाले, आप जो भी जहाँ पे पॉसिबल है वहां पे क्या करने वाले हो, अपने प्रोसेस को एडजस्ट करोगे। जो कम रहेगा जैसे 6 सिंपल है 6 KB और मेरे पास 8 KB का एक प्रोसेस है 12 का, तो मैं 6 KB को 8 KB में डालने वाली हूँ क्योंकि मैं 12 में फिट नहीं करूंगी, बट यही इक्वल साइज में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि हर एक 12 होने वाला है, हर एक तुम्हारा जो होगा डिवीजन दैट विल बी इन 12, तो वहां पे वेस्टेज ज्यादा होता है, तो वहां पे प्रोसेस का तुम्हारा जो यूटिलाइजेशन है वो एक तरीके से चेंज करता है। वेरिएबल में ऐसा नहीं, ये आपके रनिंग मोड पे आप डिफाइन करते हो आपको कितने प्रोसेस में कैसा चाहिए डायनेमिक, तो दिस इज लाइक यू कैन चेंज एज पर द रनिंग मोड, जैसा तुम्हारा मेन मेमोरी में जैसा तुम्हारा प्रोसेस रन करेगा उस हिसाब से तुम्हारा पार्टीशन होंगे, तो दैट इज डायनेमिक। आपको एग्जैक्ट पार्टीशन पहले से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि कितना लगने वाला है, लोकेशन कितने होंगे, वेस्टेज जो होगा वो भी बहुत कम होगा। तो यहाँ पे फ्री स्पेस जो बोलोगे बहुत कम होगा, मेमोरी को स्पेस को भी मैनेज कर सकते हो किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट करके, बट वही है एलोकेशन को आपको एडजस्ट करना है, वो एडजस्ट क्रिएशन सेगमेंट्स प्रॉपर डिफाइन करना है कि कहाँ से कितने प्रोसेस में आपने यूज किया, तो दैट इज डिफिकल्ट कि वो ट्रैक कर, जो आपको फिक्स्ड में ट्रैक करने की जरूरत नहीं है।
आपको पता है ये 100 ही है, कितना भी हो, कितने भी प्रोसेस हो, आप तक 100 ही आने वाले। और इसमें चेंज होगा, 60 का 40 होगा, 40 का 30 होगा, 35 होगा, तो 35 कहाँ एडजस्ट करना है वो देखना पड़ेगा। वैसा एडजस्टमेंट मुझे ऐड करके रखना, मतलब मुझे वो चीज़ ट्रैक करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ें ढूंढनी पड़ती है कि कहाँ पे मैं किस प्रोसेस को हटाऊँ, जहाँ पे वो फ्री है वहाँ पे एलोकेट करूँ। 100 है और तुम्हारा 35 है, ऑब्वियसली बाकी का कंटेंट तुम्हारा 65 बेस्ट हो जाएगा। ट्रैक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 100 ही रहने वाला है, कोई भी प्रोसेस आए या जाए उसका फिक्स पार्टिशन। ये सब उसका डायग्राम है, अलग अलग प्रोसेस में then it comes with sequentially and direct access method. Now this is your allocation method. अभी sequential बोलोगे तो one by one record read करना, हर एक record तुम्हारे pointer के through read करेगा, जो भी है sequence way, pointer के through नहीं sorry, sequence way में read करेगा one by one, इसके बाद कौन सा आना चाहिए वो sequence में रहता है। तो इसमें तुमको कुछ भी detail specify करने की जरूरत नहीं है। Other than that डायरेक्टली आप वो ही फाइल रीड करो, डायरेक्ट में क्या होगा, डायरेक्ट वो पर्टिकुलर फाइल रीड करोगे तो वहां पे आपका जो भी रिकॉर्ड है सारे रीड करने की जरूरत भी नहीं है, ये फायदा हो जाता है डायरेक्ट एक्सेस में। बट सीक्वेंस में आपको जो रिकॉर्ड रीड नहीं भी करना है, स्टिल यू हैव टू रीड दैट रिकॉर्ड एज यू आर गोइंग विद वन बाय वन रिकॉर्ड। तो हर एक रिकॉर्ड जो भी आपको चाहिए तो वो सारे इन द फॉर्म ऑफ 1 to 20, 1 to 60 वो सारा रीड करेगा। डायरेक्ट में मुझे डायरेक्टली 40 का रिकॉर्ड देखना है तो वो 40 का ही रिकॉर्ड रीड करेगा, जो भी आपको पर्टिकुलर कंटेंट देखना है। तो आप क्या करोगे उसमें डायरेक्ट एक्सेस के लिए पॉइंटर सेट करोगे, वो कमांड मेंशन करोगे, कमांड के थ्रू आपका फाइल रीड करके देने वाला। तो ये आपका फिक्स रहता है कि आपको कितना कौन सा कंटेंट देखना है। अब ये आपको जरूरी नहीं कि आपको पर्टिकुलर ऑर्डर में जाने की जरूरत है, ये मेथड वैसा नहीं रहता, ये आपको रैंडम एक्सेस अलाउ करता है। आपको कौन सा भी फाइल रीड करना है नंबर वे में जाने की जरूरत नहीं, सारा सीक्वेंस जैसा चाहिए आपके हिसाब से 14 रीड करना है, जैसे कि सिंपल एग्जांपल दिया यहाँ पे, रीड द ब्लॉक ऑफ 14 देन इट इज गोइंग 53, जैसा आपको चाहिए, जैसा कंटेंट डेटाबेस में चाहिए। जैसे सिंपल है सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एक्स वाई जेड टेबल वेयर कस्टमर आई डी इज इक्वल टू 12, तो मैं क्या कर रही हूँ सिर्फ कस्टमर आईडी का जो भी डेटा है वही डेटा रीड करना चाहती हूँ। ओके, तो सारे रिकॉर्ड मुझे 12 के 12 पूरे रीड करने की जरूरत नहीं है, जो मुझे पहले वाले में करने पड़े वहाँ पे कंपेल करना पड़ता है, दैट इज कंपलसरी आपको सारे रिकॉर्ड। एंड वन इज डन देन ओनली यू विल गो विद सेकंड देन थर्ड एंड सो। यहाँ पे ऐसा नहीं, आपको जो रिलेटेड चाहिए, जो कंटेंट फेच करना है, रीड करना है, व्यू करना है, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो देख सकते हो। इट इज नॉट लाइक कंपेल कि आपको सारे रिकॉर्ड। तो ये जो होता है फास्ट एक्सेस होता है, ऐसे बोलोगे तो ये फास्टली आप सारे ब्लॉक को रीड करने की जरूरत नहीं है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये भी पूछा गया था आई थिंक, यूनिक कमांड क्रिएट करना, लिस्ट करना, राइट राइट कमांड फॉर दी क्लियर क्रिएट फोल्डर करने के लिए एमके दिया या क्रिएट करना। अभी ये यूनिक्स कमांड है, इंडिपेंड कौन सा कमांड पूछा गया, यूनिक्स हो गया लिनक्स पूछा जाता है, इतने दो ही कमांड लोग तुमको पूछे जाएंगे। तो क्रिएट फोल्डर OSY करके OSY फोल्डर बनाना है, तो एमके DIR दैट इज मेक डायरेक्टली, एमके का मतलब होता है मेक डायरेक्टली, DIR का मतलब डायरेक्टली, फोल्डर बोला इसलिए DIR। अगर सपोज चेंज करना होता है डायरेक्टली तो सी ए चाहता है, मतलब डायरेक्टरी चेंज करना है तो वो अभी क्वेश्चन के ऊपर है, सीडी कमांड आता है, सॉरी चेंज डायरेक्टरी के लिए सीडी कमांड आता है। अब यहाँ पे हमको डायरेक्टरी बनाना करके हमने क्या किया, एमके लिया या OSY, उसके बाद लिखा है क्रिएट अ फाइल फर्स्ट इन OSY फोल्डर, मतलब हमने जो फोल्डर बनाया था उसके अंदर क्या बनाना है फाइल। तो क्या लिखा है सीडी OSY, क्यों सीडी, क्योंकि हमारा पहले डायरेक्टरी बना, ये रीजन क्या है डायरेक्टरी बनाया, उसके बाद सीडी क्यों लिखा है चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी जिधर बनाया है हमको पता नहीं है, अभी मुझे डायरेक्टरी के अंदर फाइल बनाना है, क्या लिखा है क्रिएट अ फाइल फर्स्ट इन OSY फोल्डर। तो सीडी दैट इज OSY, हम उस डायरेक्टरी के अंदर गए, उसके बाद कैट जो ऑपरेशन हो रहा है फर्स्ट, या तो तुम डायरेक्ट टच कर
फर्स्ट लिखोगे तो मतलब हमारा कैट के अंदर फर्स्ट लिखा इसका मतलब क्या होगा, हमारा फाइल क्रिएट हो। समझ में आया ये ऑपरेशन कैसे है ये पार्ट? सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। तो सिंपल है, हम माउस से क्लिक करते कोई फोल्डर में जाना, जैसे मुझे प्रियंका में जाना है तो मैं वो फोल्डर के अंदर क्रिएट कर क्लिक करने के बाद ही कोई फाइल क्रिएट होगी। तो मैंने एक फाइल इधर बनाया है, उस फाइल के अंदर जाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा सीडी। उसके बाद मुझे फाइल का नाम लिखना है कि मुझे कौन सा फाइल बनाना है। समझा? देन उसमें पूछा है लिस्ट एंड डिस्प्ले ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, तो दैट इज एलएस, जहाँ पे लिस्ट करेगा तुमको सारा। और क्लियर स्क्रीन बोला है तो डायरेक्ट क्लियर। अब ये सब तुम्हारे यूनिक्स कमांड है। देन इट कम्स विद पर्पस ऑफ सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल क्या होता है, उसके एडवांटेजेस पूछे गए। सिस्टम कॉल का मतलब क्या है? सिस्टम कॉल ऐसा इंटरफेस है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेस के बीच में इंटरेक्ट करने के काम। तो वो एक्स्ट्रा लैंग्वेज है जो इंस्ट्रक्शंस को कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे सिंपल है अभी हम एक इंस्ट्रक्शन हम एक कम्युनिकेशन करते हैं, वी आर यूजिंग अ लैंग्वेज, वी आर यूजिंग एन इंटरफेस, राइट? सेम विद दैट आल्सो सिस्टम कॉल आल्सो इट हैज एन इंटरफेस बिटवीन एंड प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग, ठीक है? तो वैसा वो इंटरेक्शन करता है, वैसा वो इंटरेक्शन होता है सिस्टम और हमारे प्रोसेस के लिए। अब सिस्टम कॉल में कौन कौन सा आता है, तो तुम्हारा प्रोसेस कंट्रोल, इसके अलावा फाइल को मैनेज करने के लिए। अब ये सारे तुम्हारे ऑपरेशन है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, टेक टू सिस्टम कॉल विद दी फंक्शन विद दैट फंक्शन। तो अगर सिस्टम कॉल पूछा है तो पहले तो प्रोसेस को कंट्रोल करता है, तो उसके ऑपरेशन कौन से, उसके फंक्शन एंड करना, अबॉर्ट करना, लोड करना, एग्जीक्यूट करना, क्रिएट करना, ये सारे नॉर्मल ऑपरेशन है। इसके अलावा फाइल को मैनेज करता है, क्योंकि जितने भी ऑपरेशन है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करता है, फाइल सिस्टम हो गया, रिसोर्स एलोकेशन हो गए, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, ये सारे ऑपरेशन आपके सिस्टम कॉल के थ्रू ही होगा, क्योंकि उसे इंटरेक्शन चाहिए। हम दोनों का इंटरेक्शन एक इंटरफेस हम यूज कर रहे हैं, हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वैसे हमारा सिस्टम भी एक इंटरफेस यूज करता है और एक लैंग्वेज यूज करता है, दैट इज बीन डन विद योर सिस्टम, दैट इज बीन डन विद योर कर्नल। तो वो उस तरीके से काम करता है। तो अगर फाइल बनाया तो फाइल को क्रिएट करना, डिलीट करना, ओपन करना, डिवाइस को मैनेज करना, इसमें आपको कोई दो ही बताना है। अभी इसमें सब डिटेल्स में लिखा, डिवाइस को कौन सा डिवाइस रीड कर रहा है, राइट कर रहा है, डिवाइस रिक्वेस्ट किया गया है उस हिसाब से रिलीज करेगा, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, कौन सा इंफॉर्मेशन बोलोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा यूजर है, कौन से वर्जन पे काम कर रहा है, कौन से प्रोसेस पे काम कर रहा है, कौन सा, ये सारा डिटेल मेंटेन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कितना तुम्हारा डिस्क फ्री है, कौन सा मेमोरी फ्री है, वो सारा डिटेल इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस होता है, दैट इज गेट करना, सेट करना, कौन सा यूजर, सारा अकाउंटिंग जो होता है। देन कम्स विद कम्युनिकेशन, कि आपका कम्युनिकेशन जो होता है प्रोसेस के बीच में, एक कम्युनिकेशन हो गया तो दूसरा आना चाहिए, ये नॉर्मल कम्युनिकेशन चलता रहता है तो वो भी वर्क करना चाहिए, तो दैट इज बीन अगेन डन विद दी सिस्टम कॉल। तो वो शेयर्ड मेमोरी के थ्रू ही होता है या पैसिव पासिंग के थ्रू होता है, जो भी होता है, तो वो प्रोसेस पैरेलली होना चाहिए। अगेन इन योर डिवाइस आल्सो इट यूजेस एन इंटरफेस, तो वो इंटरफेस के थ्रू ही काम करता है। तो क्रिएट करना, सेंड करना, ट्रांसफर करना, अटैच करना, ये सब काम हमारे सिस्टम के थ्रू ही होता है। देन टाइप्स ऑफ शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मिडिल टर्म। अब मीडियम टर्म को हम ट्रैपिंग भी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म बोलोगे तो दैट इज प्रोसेस, शॉर्ट टर्म बोलोगे तो दैट इज योर थ्रेट। अब लॉन्ग टर्म का शेड्यूलर का मतलब, शेड्यूलर का मतलब ये होता है आप शेड्यूल कैसे करते, किस तरीके से शेड्यूल हो रहा है, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से, किस वे से मैनेज करेगा, क्योंकि शेड्यूल करोगे नहीं तब तक प्रोसेस कैसे वर्क करेगा। आपको पहले कौन सा प्रोग्राम, किस, तुम्हारे पास मल्टीपल जॉब रहने वाले जो तुमको मेन मेमोरी में लोड होना चाहिए, वर्क करना चाहिए, तो वो लॉन्ग टर्म होता है जो तुम्हारा प्रोसेस को मैनेज करता है, कितना टाइम लगेगा, कौन सा ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट, कौन सा प्रोसेस होना चाहिए, सारा वो
अदर देन दैट शॉर्ट टर्म बोलोगे तो दैट कीप्स द ट्रैक अबाउट योर थ्रेड, एंटायर चीज बोलोगे तो थ्रेड के मेरे हिसाब से तो छोटा प्रोसेस जो रनिंग स्टेट में जो भी वर्क कर रहा है, जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है वो तुम्हारा शॉर्ट टर्म हो गया, और प्रोसेस जो है लॉन्ग टर्म इट विल टेक मच टाइम, शॉर्ट टर्म में बोलोगे इट विल टेक लेसर टाइम। इसमें ये भी है कि वहाँ पे मल्टीपल जॉब्स होंगे, ये एक 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 जॉब एग्जीक्यूशन करता है इसलिए जल्दी भी होता है तो तैयार भी जल्दी होगा और डिलीट भी जल्दी होगा। मीडियम टर्म बोलोगे अगेन, मीडियम टर्म का मतलब होता है स्वैपिंग, दो प्रोसेस के बीच में जैसे प्रोसेस या तुम्हारा थ्रेड के बीच में स्वैप होना, कम्युनिकेशन होना, ये लोड करना, किसी वजह से इंटरप्शन हो गया ब्लॉक करना, तो वो काम भी तुम्हारा वो एक तरीके से होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो वो एक काम भी तुम्हारा मीडियम टर्म के थ्रू वर्क करता है, तो वो मीडियम का टर्म शेड्यूलर का काम है जो लोड करेगा वैसा स्वैपिंग स्वैप आउट करना थ्रेड और प्रोसेस। अब वो मीडियम टर्म इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि वो डिपेंड करने वाला है थ्रेड है या प्रोसेस, ठीक है। अब ये राउंड रॉबिन एल्गोरिथम विद सूटेबल एग्जांपल है, तो आपको पहले राउंड रॉबिन एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आपको शेड्यूलिंग एंड एक्सप्लेनेशन करना है। प्रिमिटिव इसीलिए है क्योंकि ये आधा अधूरा काम करता है, पूरा तो कंप्लीट करता नहीं है, राइट ना। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का डिफरेंस बताया ना मैंने क्या होता है, लिख के भी दिया था, तो वो एक्सप्लेन करना विद एग्जांपल। यू कैन टेक एनी एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल लो उसके हिसाब से सॉल्व करके एक्सप्लेन करो। पीसीबी विद डायग्राम, अब पीसीबी बोलोगे तो प्रोसेस स्टेट है, बट यहाँ पे पीसीबी पूछा है तो दैट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कैसे मैनेज करते हैं, किस वे से मैनेज करते हैं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में पूरा इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है। तो पूरा प्रोसेस का डिटेल मेंटेन करता है, सारा पीसीबी मेंटेन होगा, तो वहां पे आपको डेटा पीसीबी का ये स्ट्रक्चर बनाना है और उसके बाद उसको एक एक एक्सप्लेन करना है। प्रोसेस स्टेट क्या होता है, प्रोसेस नंबर का काम क्या है, प्रोसेस प्रोग्राम काउंटर का, प्रोसेस स्टेट मतलब आपका प्रोसेस किस स्टेट में, न्यू में रेडी में, ये जो पांच स्टेट है वो डेटा मेंटेन करता है। प्रोसेस का नंबर क्या है, वन है टू है, जो वो डेटा मेंटेन करेगा दैट इज यूनिक। देन कम्स विद प्रोग्राम काउंटर दैट इज आफ्टर वन it should go with 2, 3 and so on. Register that is temporary memory where process should be executed whenever it is executing. That temporary data store will be in the register. Memory limit कितना है हमारे पास, मतलब वो टाइम कितना लेने वाला है, वो जॉब को हम मैनेज भी कर सकते हैं या नहीं, हमारे पास स्टोर करने का लिमिट है या नहीं, वो देखना वो सारा memory limit होता। List of open files यानी कि वहाँ पे कितने फाइल्स ओपन है, तुमने कितने सारे इसमें से कौन सा फाइल ओपन कर रहे हो, मतलब कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हो। टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग का ओएस भी पूछा गया बहुत बार, टाइम शेयरिंग पूछा है, मल्टी प्रोग्रामिंग पूछा है, रियल टाइम ओएस पूछा गया है, ऐसे दो तीन है जो पूछे गए ज्यादा। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, एक बार बैच सिस्टम पूछा गया। तो अभी टाइम शेयरिंग में यही होता है कि आप टाइम से मैनेज करते हो, हर एक को टाइम एलोकेट किया जाता है तुम्हारा प्रोसेस में, तो जितने यूजर्स रहेंगे वो हर एक यूजर अपने सीपीयू को एज पर 3 स्टेट्स हम काम करते हैं, एक्टिव, रेडी एंड वेटिंग। तो कोई एक वेटिंग प्रोसेस में रहेगा, तो कोई एक एक्टिव में रहेगा, कोई एक रनिंग करेगा, जो टाइम एलोकेटेड रहेगा उस हिसाब से काम किया जाएगा एलोकेशन में, ताकि आपका सिस्टम जितने भी यूजर्स है पूरा लोड आपकी सीपीयू पे ना, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम तो एक ही, सीपीयू तो एक ही है, मेनी यूजर्स आते हैं, तो दैट टाइम इट इज बीन बेसिकली एलोकेटेड एज पर दी गिवन एलोकेशन टाइम स्लाइस। तो टाइम के हिसाब से हम काम करवाते हैं, उस तरीके से मैनेज किया जाता है। तो कोई ना कोई एक्टिव होगा, कोई ना कोई वेटिंग होगा, कोई ना कोई एग्जीक्यूशन करता रहेगा। तो अकॉर्डिंगली वो मैनेज करता है,
अब यहाँ पे टू कंपोनेंट्स ऑफ ओएस यहाँ अभी अलग अलग है, आप कोई भी दो डिस्क्राइब कर ले। ये हमने ऊपर भी देखा था, एक्सप्लेन करने को था, प्रोसेस मैनेजमेंट, सेकेंडरी मैनेजमेंट, मेन मेमोरी, उसके अलावा फाइल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे कोई भी दो एक्सप्लेन करोगे वो चीज में वापस नहीं ले। इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करना, ये भी सेम क्वेश्चन है आईपीसी का। शेड्यूलिंग क्राइटेरिया ये भी हमने अभी थोड़े टाइम पहले देखा था। प्रोसेस स्टेट मॉडल दैट इज अगेन रिपीटेड। डेडलॉक प्रिवेंशन, जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बोला था, डेडलॉक में तीन टाइप क्वेश्चन आते हैं, नेसेसरी कंडीशन पूछा जाता है, के अलावा डेडलॉक प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस। अवॉइडेंस बहुत रेयर पूछा जाता है, डेडलॉक के कंडीशन और प्रिवेंशन भी पूछे जाते हैं। तो अब ये प्रिवेंशन है कि कैसे प्रिवेंट करोगे कि हमारा डेडलॉक कम, तो जो अभी एक्सप्लेन किया था वही बताया, वही चीज है। ये भी सेम है, फिक्स साइज मेमोरी पार्टीशन, स्टैटिक में फिर से दो टाइप जो है वो एक्सप्लेन करोगे। नाउ लिंक एलोकेशन फाइल, ये फाइल एलोकेशन मेथड में, फाइल एलोकेशन मेथड में तीन टाइप होते हैं। वन इज वन इज कंटिग्युअस, देन इट कम्स विद इंडेक्स लिंक, देन इट कम्स विद योर इंडेक्स। ऐसे तीन टाइप है जो हम एलोकेशन मेथड में पूछते हैं। तो एलोकेशन मेथड में पहला जो होता है कंटिग्युअस, कंटिग्युअस का मतलब होता है, कंटिग्युअस का मतलब है जो कंटिन्यूअस फॉर्मेट में आप रीड करने के लिए पॉसिबल है, रीड कर सकते हो। जो भी फाइल एलोकेटेड है दैट विल बी इन द सीक्वेंस, वहाँ पे हमको कोई ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, सब प्रॉपर वे में हम रीड कर सकते हैं। दैट इज द बेसिकली गुड, सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड, इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल्सो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। बट डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमारा जो भी हमारा फाइल जो होता है यहाँ पे फ्री बहुत ज्यादा है, तो अगर हमको कोई एलोकेशन करना है तो यू नीड टू फाइंड कि हमारा सीक्वेंस वे में कहाँ पे एलोकेट कर दो। इसके वजह से हम यूज करते हैं आइदर यू आर यूजिंग इंडेक्सिंग, आइदर यू आर यूजिंग लिंक एलोकेशन। अब लिंक एलोकेशन में प्रॉब्लम क्या है, पहले सोल्यूशन क्या है वो देख लो। सोल्यूशन ओवरकम क्या किया गया है, जो हम सीक्वेंस में जाते हैं तो कहाँ कहाँ है जगह ये हमको ट्रैक करना पड़ता है, ये तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये चीज हमारे लिंक एलोकेशन में बेटर बना है क्योंकि हम हमारा लिंकिंग हमारे पॉइंटर से करते हैं, तो पॉइंटर को एलोकेट कर सकते हैं और उस हिसाब से हमारा सीक्वेंस डिफाइन करेंगे। हर एक पॉइंटर को नेक्स्ट ब्लॉक का पॉइंटर डिफाइन होना जरूरी है। तो हमारा फाइल ट्रैक को बोलते हो ट्रेस करना किस तरीके से, तो मेरा कंटेंट तुमको किया होगा रैंडम होगा किसी को भी, मतलब आई एम द मेन वन, then I will allocate to the 14th block, then I will allocate to 21, then I will allocate to the 30, but that is the sequence. यहाँ पे डेटा इस तरीके से एलोकेशन होता है। तो लिंक लिस्ट में भी ऐसी है कि आपका जो भी कंटेंट है वैसे ही काम करता है। अब यहाँ पे आपको ये डायग्राम आपको कंपल्सरी बनाना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बट अगेन कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए ये बताना जरूरी, ये स्पेसिफाई होना जरूरी। डायरेक्टरी में हर एक का पॉइंटर अटैच किया जाता है फाइल को, वैसे एलोकेशन किए जाते हैं, फाइल को एलोकेशन किए जाते हैं वैसे एलोकेट किया जाता है। जो फाइल है हर एक को डायरेक्ट कनेक्शन दिए जाते हैं विद हेल्प ऑफ पॉइंटर। सो डिसएडवांटेज इज जस्ट यू आर गिविंग द पॉइंटर, आपका यहाँ पे पॉइंटर असाइन है, तो पॉइंटर की वजह से आपका एलोकेशन जो होता है वो क्रिएट जो होता है, एलोकेशन जो क्रिएट किया जाता है वो एक्स्ट्रा स्टोरेज। अब ये जो फ्री है आप ढूंढ सकते हो क्योंकि आपको पॉइंट, आपको फ्री कहाँ है आपको सीक्वेंस में मेंटेन करने की जरूरत है, आप आपके एलोकेशन विद हेल्प ऑफ पॉइंटर एलोकेट करो। बट प्रॉब्लम इज दैट पॉइंटर, इफ यू आर गिविंग एनी काइंड ऑफ रॉन्ग पॉइंटर देन यू कांट रीड द फाइल, पॉइंटर इज द मेन फैक्टर। Other than that, pointer is using the extra factor that is memory storage. So that is your disadvantage. So main problem ये भी है, and again you need to read the factors, मतलब सारे factors read करने पड़ते हैं, directly कोई भी random नहीं कर सकते, sequence wise ही जाना है, पहले से third से fifth, fifth से seventh, ऐसे कुछ sequence होगा उस हिसाब से जाना। तो ये problem overcome करने के लिए, ये दो तीन problems overcome करने के लिए हमारा third type बनाया गया, that is index।
इंडेक्स में प्रॉब्लम क्या है, फाइल का एलोकेशन तो होता ही है बट हम पॉइंटर भी यूज करते हैं, मैं ये नहीं है कि पॉइंटर यूज नहीं होता, बट साथ ही साथ हम पॉइंटर के अलावा हम हमारा स्पेशल इंडेक्स लिंक भी करते हैं, मतलब हम पॉइंटर एलोकेशन कर रहे हैं जैसे लिंक लिस्ट में, बट उसका एक पॉइंटर भी होता है जिससे हमको अगर कोई डायरेक्ट कनेक्शन करना है, डायरेक्ट कोई फाइल रीड करना है, डायरेक्ट फाइल एलोकेशन करना है, यू कैन डू. So that problem is being overcome in your last third time, that is index. So इसके लिए मुझे pointer में हर एक फाइल read करने की जरूरत नहीं, that is directly हम कोई भी फाइल read करें. Clear है? अभी ये question में सिर्फ linked list पूछा गया है तो आपको linked list बताना है. क्या हुआ अक्षिता, clear नहीं है? तुम्हारा काम तो पैसा इससे मैं पूछूं. अब CLI और GUI ये डिफरेंस है. CLI एंड GUI, CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस और GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. CLI का फायदा ये है कि आप इंटरेक्शन जो है विद हेल्प ऑफ कमांड्स कर सकते हो, सो दैट इज मोर सिक्योर. GUI का सिक्योरिटी नहीं है बट इंट्रैक्शन इट इज मोर बेटर. योर इंट्रैक्शन आर गिवन बाई दी कमांड, कीबोर्ड भी वो कैन यूज, कीबोर्ड भी हम यूज कर सकते हैं बट यहाँ पे हम माउस के साथ साथ ये इंट्रैक्शन प्रेफर करते हैं, ये यूज करते हैं. कमांड्स हमको याद रखने पड़ते हैं तो वो हमको पॉसिबल नहीं है, ये डिसएडवांटेज है. यहाँ पे कमांड्स के थ्रू नहीं, हमको तो नेविगेशन के थ्रू काम करना है, तो मेमोरी स्टोरेज बहुत कम होता है, यहाँ पे मेमोरी स्टोरेज ज़्यादा होता है. अदर देन दैट जो इंट्रैक्शन के अलावा ग्राफिकल इफेक्ट इसका बेटर है, ये एक अच्छा चीज है. तो वो एक फायदा हो जाता है मैडम. एक मिनट अब ये सेम क्वेश्चन है अगेन. फ्लेक्सिबिलिटी मेंशन किया तो कमांड जो है, कमांड पे इंटरफेस ज्यादा अच्छा नहीं है, यहाँ पे इंटरफेस यहाँ पे अच्छा होता है. एक्यूरेसी बोलोगे तो हाई इसका है और इसका लो है, क्योंकि आप सिक्योरिटी लेवल के हिसाब से ये एक्यूरेट वैल्यू देगा, दैट इज विद द हेल्प ऑफ कमांड. एंड यहाँ पे आप नेविगेशन करते हो तो थोड़ा इनका प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं. उसके अलावा सेम है सिस्टम कॉल के रिलेटेड, ये भी सेम क्वेश्चन है. लॉन्ग टर्म शेड्यूलर अभी हमने देखा, फिर SDF क्वेश्चन है. FCFS algorithm using SDF का मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, और FCFS का फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये हमने लास्ट सेशन अच्छी तरीके से देखा है. नाउ अगेन यू हैव अ डाउट रिगार्डिंग फ्री स्पेस मैनेजमेंट, एक बार देख लेते हैं. फ्री स्पेस मैनेजमेंट टेक्निक बोलोगे तो इसमें बोला एनी टू, टोटल फोर, कोई भी दो एक्सप्लेन करना है. फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है, आपके सिस्टम में एलोकेशन करना है, तो आपको ये ट्रैक रखना है कि आपके कंटेंट में कितना फ्री है, कितने ब्लॉक्स फ्री है, कितने एलोकेशन फ्री है, ताकि वो कंटेंट में आप अपना इंफॉर्मेशन फिल करें. तो फ्री स्पेस मैनेजमेंट बेसिकली इसीलिए बनाया गया है क्योंकि देखो एलोकेशन करने के टाइम पर हम अलग अलग मेमोरी एलोकेशन करते हैं, स्टैटिक डायनेमिक डिपेंडेंस, तो इन दैट ऑल्सो हाउ मच कंटेंट इज फ्री वी नीड टू फाइंड. तो उसके लिए टेक्निक बनाए गए, वन इज बिट वेक्टर, लिंक लिस्ट है, उसके अलावा ग्रुपिंग है, काउंटिंग है, ये चार अलग अलग टाइप है. बिट वेक्टर का मतलब होता है आपका इंफॉर्मेशन, आपके फाइल्स एलोकेट किए जाते हैं, एलोकेशन मेंटेन होता है उसके हिसाब से, बट एक एक्स्ट्रा बिट मेंटेन किया जाता है जो डिफाइन करेगा कि आपका फ्री कितना है और एलोकेशन कितने हुए हैं. फ्री जो रहेगा वो डिफाइन करेगा विद वन, और अगर एलोकेटेड रहेगा तो आपका डिफाइन करेगा जीरो. तो वन एंड जीरो के वे में आपका डिस्क कितना फ्री है वो डिफाइन करेगा, मतलब कौन से ब्लॉक्स फ्री है वो डिफाइन करके देगा बिट वेक्टर. लिंक लिस्ट में ये होता है कि आपके लिंकिंग डिफाइन किया जाता है, एलोकेशन जो आप पॉइंटर के थ्रू काम करते हो, जो भी रहेगा नेक्स्ट लोकेशन, नेक्स्ट लोकेशन जहाँ पे
किस भी डिवाइस का वो जो फ्री है आप लिंकिंग से फाइंड आउट कर सकते हो कि कहाँ कहाँ आपका फ्री है। अब ये कैसा था, इसके थ्रू आपका कम्युनिकेशन सर्व है, जीरो और वन के थ्रू स्लीप ब्लॉक्स एंड अकॉर्डिंगली दैट डिफरेंस। बट ये चीज है आपके लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता है, आप पॉइंटर के थ्रू एलोकेशन कर दो, पॉइंटर के थ्रू आपका डिफाइंड होता है कौन सा जगह फ्री है, तो पॉइंटर के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो मतलब कहाँ पे कौन सा कंटेंट फ्री है। अब ये इसको ट्रैक किया है फोर को फाइव, एट को नाइन, नाइन नाइन टेन इलेवन, जो बाकी के ब्लॉक दिख रहे हैं तो मुझे वो फ्री दिख रहा है, तो वो पॉइंटर के थ्रू मुझे समझ में आता है कि ये कौन से ब्लॉक्स फ्री है। ओके उसके अलावा और दो भी है, ग्रुपिंग, ग्रुप का मतलब होता है ग्रुप वाइज फ्री डिफाइन कर दो कि ये ग्रुप में कितना कंटेंट फ्री है, उस हिसाब से एक कॉमन पॉइंटर डिफाइन करोगे एंड अकॉर्डिंगली एलोकेट कर दो। और एक लास्ट होता है काउंटिंग, काउंटिंग का मतलब होता है आपके ब्लॉक में, जैसे सिंपल एग्जाम्पल है काउंट करके बताएगा, जीरो का मतलब होता है एलोकेटेड, वन का मतलब होता है फ्री। अभी जैसे सिंपल है टू थ्री फोर फाइव, राइट, तो मैं टू के ऊपर लिखूंगी कि फोर ब्लॉक्स आर फ्री, दैट इज काउंटिंग, कि वहां पे मुझे ये डिफाइन करेगा कि सेकेंड से लेके फिफ्थ पोजिशन तक मेरा क्या है पर्टिकुलर कंटेंट फ्री है, समझा? यस, यस, क्लियर है चेतन? तुम्हारा ही डाउट था, now this is about 6 mark question, yes here, okay, system tools, allergy operating system tools and explain any tool, matlab aapko koi bhi do explain karna hai, to operating system mein ek tarike se operating system tools kaun se hai, user ko manage karna, security ke policies, device ko manage karna, task scheduler and device ka performance monitor, मतलब इसमें से आपको कोई भी दो एक्सप्लेन करना है, यूजर को कैसे मैनेज करता है, तो वो यूजर का कंटेंट पासवर्ड सेट करना, यूजर को ऐड करना, ये सब यूजर मैनेजमेंट हो गया, यूजर डिटेल्स मेंटेन करता है, वो सारा ट्रैक करता है। अब यहाँ पे आपको सिंटैक्स मेंशन किया है, ये सिंटैक्स डेटा मेंटेन कर रहा है, ये सब इतना डिटेल में मतलब कमांड नहीं आते, कमांड लिखने के लिए नहीं आते तो यूजर का काम क्या है वो तुम्हारे यूजर मैनेजमेंट में आता है, दैट इज इन कमांड लाइन टूल्स हो गया, यूजर को कौन ऐड करेगा, कौन सा उसको राइट्स क्या देना चाहिए सर्वर को ऐड करने के, मतलब सर्वर डिफाइन करता है वो, यूजर डिलीट करना, कौन से यूजर को डिलीट करना है, यूजर मोड बोलोगे तो कौन सा यूजर, एग्जिस्टिंग यूजर का डिटेल मेंटेन करता है, जो मॉडिफाई करना है तो यूजर को कुछ मॉडिफिकेशन करना है क्या, उसका कुछ पासवर्ड राइट्स ये सब चेंज करना है, तो वो सब तुम्हारा इसमें आता है। डिवाइस को मैनेज करना मतलब आपके डिवाइस को किस तरीके से मैनेज करता है, आपके डिवाइस को किस तरीके से हैंडल करता है, किस वे से मैनेज करेगा, दिस आर ऑल थिंग्स फिजिकल एंड वर्चुअल, फिजिकल मतलब वहाँ पे एलोकेशन होगा और वर्चुअल बोलोगे तो एलोकेशन कहाँ पे हुआ किस तरीके से हुआ आपको दिखने वाला नहीं, बट ये आपका ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो आपका कौन सा डिवाइस है वो डिपेंडेंसी होगा, जो भी डिवाइसेस आप एलोकेट करोगे उस हिसाब से वो एलोकेशन हमारा डिवाइस के थ्रू रूट डायरेक्टरी से वहां पे जाएगा, सेव करेगा फनल के थ्रू एंड अकॉर्डिंगली मेंटेन करेगा। अब ये चीज दो ही एक्सप्लेन करना है, कोई भी दो, परफॉर्मेंस मॉनिटर बोलोगे तो जहाँ पे तुम्हारा सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, मतलब क्या चीज तुम्हारा सिस्टम मैनेज नहीं कर पा रहा है, एलोकेशन हो गया, मेमोरी को एलोकेट नहीं कर पा रहा है, या रेस्पॉन्ड कमांड जो भी होता है मतलब इनपुट आउटपुट का वो ट्रैक नहीं कर पा रहा, सीपीयू किसी वजह से कोई एक्टिविटी की वजह से बिजी है, या तुमने पार्टीशन जो किए हैं वो बहुत ज्यादा फिक्स टाइप में कर दिया है तो उसके वजह से एलोकेशन वहाँ पे ज्यादा हो गया और फ्री बहुत हो गया, तो क्या प्रॉब्लम है वो सारा परफॉर्मेंस मॉनिटर में आता है, तो वो वैसा शो करता है, दैट इज वीएम स्टैट टॉप, टॉप में भी बोलोगे तो फ्री, ये सब वो एक्टिविटीज है, ये सब मेंटेन करता है, वर्चुअल मेमोरी को मैम कैसा हैंडल कर रहा है किस तरीके से, प्रोसेस को कैसे एक्टिविटी मॉनिटर करना है, मतलब टॉप में ये दिखाएगा कि कौन सा प्रोसेस है, कितना काम करना है, कितना काम हो रहा है, और फ्री बोलोगे तो फ्री कितना है तुम्हारा, कौन सा है, किस जगह पे तुम मेमोरी को एलोकेट कर सकते हो या स्विच कर सकते हो, स्वैपिंग कर सकते हो, वो देखा जाता है।
IOSAT, that is input output interaction जो नोट करना रहता है वो कैसे मैनेज कर रहा है. नेक्स्ट टैग बोलोगे तो दैट इज नेटवर्क एंड स्टैटिस्टिक्स मॉनिटर डू करने के लिए, मतलब नेटवर्क कनेक्शंस कैसे हैंडल कर रहा है किस तरीके से. मल्टी थ्रेडिंग मॉडल, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट. मल्टी थ्रेडिंग किसमें पूछा है, सिक्स मार्क्स के लिए पूछा है तो आपको तीन टाइप्स है, तीनों टाइप एक्सप्लेन करना है. और डिटेल में पूछा है तो डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे. वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू वन. वन टू वन मतलब वहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग का मतलब पहले एक्सप्लेन मल्टी थ्रेडिंग मॉडल बोला तो मल्टी थ्रेडिंग होता क्या वो बताओगे. मोर देन वन थ्रेड इट हैज बीन यूज्ड इन दैट वन कर्नल और योर यूजर थ्रेड्स आर यूज्ड. अगेन इट हैज मल्टीपल टाइप्स, दैट इज वन टू मेनी, मेनी टू वन एंड मेनी टू मेनी. वन टू मेनी में मतलब एक थ्रेड एक कर्नल उससे एग्जीक्यूशन करेंगे तो मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट अगर होंगे तो उतने सारे कर्नल्स क्रिएट करेंगे. फायदा ये है कि हर एक के लिए कर्नल आपको रिसोर्सेज ब्लॉक नहीं करता. इंडिविजुअल कर्नल रहेंगे तो हर एक अपना अपना काम कर सकता है. प्रॉब्लम ये है कि हर एक के लिए इंडिविजुअल कर्नल क्रिएट करना चाहिए तो मुझे पहले से पता होना चाहिए कि मेरे पर्टिकुलर प्रोसेस में कितने थ्रेड है. समझ में आया प्रॉब्लम? आया ना? Yes. मेनी टू वन में क्या होगा, मेनी थ्रेड्स एंड वन कर्नल. तो मल्टीपल, अब यहाँ पे बहुत सारे कर्नल थे वो एलोकेशन में सारा कर्नल का स्टोर वगैरह जो बोलोगे तो लाइक बहुत सारा पैरेलली काम करेंगे तो एक ही थ्रेड से एक ही कर्नल से काम करेगा. एफिशिएंट भी है वो जो है इतना एफिशिएंट नहीं, क्यों, इतने सारे कर्नल क्रिएट करना है उसको स्टोर करना है उसको मैनेज करना. बट अगेन if one of the process is using that if one of the thread is using that kernel, other process has to be, that is other thread has to be wait. So that is your main disadvantage ki jab tak do ek kaam complete nahi ho jata dusra wala kya karta hai block ho jata hai uske wajah se wo wait karta hai. To ye cheeze banani hai diagram mein tumko. Advantage kya hai, ek sath multiple threads ko handle kar sakta hai to processing ka jo complications hai wo bhi bahut kam hota hai kyunki itne sare kernel nahi hote hain, itna sara store karne ki zarurat nahi padti. डिसएडवांटेज है एक ने यूज किया तो दूसरा एनी हाउ बोलोगे तो पैरेलली काम नहीं कर सकता तो कर्नल थ्रेड इज ओवरहेडेड. बहुत सारे थ्रेड एक ही साथ काम करवा रहे हो कर्नल के थ्रू ही, तो दैट इज तुम्हारे थ्रेड लिमिटेड ही होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए, ज्यादा भी नहीं होगा तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा. ओके, मेनी टू मेनी में वन टू वन अभी हमने देखा. मेनी टू मेनी में ये है कि मेनी टू मेनी में बेसिकली मेनी कर्नल्स एंड मेनी थ्रेड. तो आप मेनी टू मेनी में यही होता है तो मेनी टू मेनी में ये है कि आपका कर्नल आपको जो प्रॉब्लम सफर कर रहा था कि कर्नल किसी दूसरे थ्रेड का किसी का, तो अभी आपने क्या किया, आप बहुत सारे कर्नल्स भी बना रहे हो बहुत सारे थ्रेड भी बना रहे हो तो वो सारा प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ शेड्यूलिंग इट विल रिसॉल्व. कि मतलब अगर मैंने कर्नल वन यूज किया है तो प्रोसेस टू कर्नल टू यूज करेगा और प्रोसेस थ्री कर्नल टू यूज करेगा. तो इस तरीके से हमारा कॉम्प्लिकेशन कम हो, बट यही हमको ट्रैक रखना पड़ेगा. ये डिफिकल्टी होगी कि हमारा ट्रैक मेंटेन करना पड़ता है कि कौन सा रिसोर्स कब करने वाला है कौन काम करना है. तो ये डिसएडवांटेज हो जाता है कि उतना सारा कर्नल है उतना सारा थ्रेड्स को हैंडल करना, सारे कौन से रिसोर्सेस है वो सारे चीजों का लोड बढ़ जाता है. तो वो एक चीज होती है कि वो हमारे लिए डिफिकल्ट होता है. देन इट कम्स विद एलआरयू. अब ये एक्सप्लेन एलआरयू बोला है पहले, उसके बाद ये रेफरेंसिंग दिया है कैसे कैलकुलेट करना है. तो आई थिंक टेक्निक तो पता है तुमको, पेज फॉल्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं. रिसेंटली यूज उसका टोटल पेज फॉल्ट 12 आया. जो भी रिप्लेसमेंट्स होंगे जो भी लेसर यूज होगा दैट इज इन द फ्यूचर यूज, यू नीड टू चेंज दैट. अभी इसने अज्यूम दो टाइप में किया है, क्वेश्चन में सब दिया है क्या, कैलकुलेट द पेज फॉल्ट, जस्ट पेज फॉल्ट बोला. अभी उसने दोनों टाइप में कर दिया है, दैट इज फ्रेम 3 का लिया है तो पेज फॉल्ट कम है और फ्रेम 4 लिया है तो पेज फॉल्ट 8 है. अब डिपेंडेंसी है तुम कौन सा पेज फॉल्ट ले रहे हो, मतलब फ्रेम साइज क्या ले रहे हो. Allocation. Then again, that is the
टाइप ऑफ एसजीएफ एंड एसजीएफएस। अब ये भी सेम है, ये हमने लास्ट सेशन में बहुत सारे प्रैक्टिस लिए थे, फिर से सेम टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हमने जो डायट डीप मैंने टाइप बताया इसमें डिटेल में मेंशन है, देखो ग्रुपिंग एंड काउंटिंग, तो ये वाला आंसर पढ़ सकते हो। कंटिगुअस लिंक एंड इंडेक्सिंग, अब ये क्वेश्चन क्या था इसमें क्वेश्चन देख के पता चलेगा। एनालाइज डिफरेंट फाइल एलोकेशन मेथड इन एक्सप्लेन कंटिगुअस एलोकेशन, तो ये तीनों टाइप अभी हमने थोड़े टाइम पहले देखा भी है। ये भी अभी थोड़ा टाइम पहले देखा, डिवाइस मैनेजमेंट परफॉर्मेंस में हिसाब से भी, तो इसमें टू यूजर्स ऑफ ओएस बताना है कि उसके यूजर्स क्या है, ट्रैक करता है डिवाइस को कैसे मैनेज करना है, कौन सा हार्डवेयर को कभी लोड करना है, कौन सा तुम्हारा डिवाइस को जो भी रिलीज करना है अलोकेट करना, वो सब ट्रैक करने के लिए यूज करते हो। टू यूजर्स हर एक का दो दो यूजर्स बताने के लिए बोला है, एंड इट इज लाइक 6 मार्क्स के लिए, तो 3 दिए गए, तो तुम दो के बदले अगर तुमको और ज्यादा आता है तुम ज्यादा लिखो। अभी इसमें से कोई भी दो बताया, डिवाइस को ट्रैक करता है, सारे ट्रैक करने के लिए यूज करता है, कौन सा एलोकेट करना है, कौन से प्रोसेस को रीएलोकेशन करना है एज पर प्रायोरिटीज, तुम कोई भी दो एक्सप्लेन कर सकते हो, कंपलसरी नहीं सारे को, एज पर परफॉर्मेंस ऑल्सो एंड एज पर टास्क शेड्यूल। अभी यहाँ पे फॉलोइंग कमांड्स फॉर स्पेसिफाइड प्रोसेस आईडी, ओके प्रोसेस आईडी दिया है, इसके बाद पहला क्वेश्चन है। अच्छा वेट कमांड, वेट अंटिल द टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस आईडी, वेट दिया है, स्लीप दिया है और पीएस हाइफन यू दिया है। आशा अब वेट का मतलब आप कितना देर, वो पीआईडी दैट इज वेट का, ये पीआईडी है, ओके 2-3 जो भी है आपको ये एक्सप्लेन करना है कि वो कब तक वेट करने वाला है। स्लीप का मतलब क्या हो गया कि आप कितना प्रोसेस कितने देर तक करने वाले, तो दैट इज 09 लिखा है, मतलब 9 सेकंड्स तक क्या होने वाला है, डिले होने वाला है, उतना टाइम तक डिले होगा। और उसके बाद दिया गया है पीएस हाइफन यू एंड आशा, मतलब पीएस मतलब मेरे प्रोसेस और हाइफन यू मतलब यूजर, और स्पेसिफिक आशा करके दिया है मतलब वो यूजर का डिटेल। तो ये बताना है कि पीएस कमांड विद हाइफन यू इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा प्रोसेस फॉर द स्पेसिफिक यूजर आशा। बाकी सारे एग्जांपल्स हैं, बोलो अक्षता कुछ पूछना है। हेलो, हाँ मैम, वो जो वेट कमांड था, तो जब सिंटैक्स हम लिखते हैं वेट कमांड और उसके बाद हम पी आईडी लिखते हैं, मतलब प्रोसेस की आईडी लिखते हैं, तो वेट कमांड ये सिग्निफाई करता है ना कि जो करंट प्रोसेस की आईडी हमने दी है उसको अपने को वेटिंग स्टेट में डालना है। ऐसा है क्या, जो आईडी दिया है वो रुकेगा टर्मिनेशन तक, ऐसा ही है ना? नहीं, वो जो दिया है 235018 जो है वो आपका प्रोसेस वेट प्रोसेस आईडी है, वेट का मतलब है कि आपको वेट करना है, बट ये जो दिया है वो कौन सा प्रोसेस वेट करेगा वो बता रहा है, कितनी देर वेट करना है वो नहीं है। ठीक है ठीक है, आप वेट का मतलब यही होता है कि आप टर्मिनेशन करोगे, बट वहां पे ये जो दिया है 2-3 जो भी स्पेसिफाइड है वो प्रोसेस का आईडी मेंशन किया है कि वो कौन सा प्रोसेस वेट करने वाला है। ओके मैम, एनीथिंग एल्स? बाकी ये तो सब सम्स है जो तुम सॉल्व करो, ट्राई करो। ये भी मैंने लास्ट सेशन लिया था कि 6KB कैसे सॉल्व किया जाता है, कौन से प्रोसेस में एलोकेट करते हैं, अगर नहीं थे तो एक बार वो वाला सेक्शन देख लो। नाउ अगेन दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, कंस्ट्रक्ट द ट्री स्ट्रक्चर्स एंड टू लेवल वाला, बेस्ट फिट वर्स्ट फिट और वर्स्ट फिट, ये क्वेश्चन पूछे जाते, एक बार कंप्लीटली देख लो कैसे किया जाता है। दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, तो एक बार चाहिए तो वापस बता देती हूँ। अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि प्रोसेस 4 को एलोकेट करना है और 6KB है उसको ड्रॉ करना है आपको, फर्स्ट फिट बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट, मतलब हर एक के लिए आपको दो दो मार्क्स है, तो डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी है। तो पहले वाला एलोकेशन हमने फर्स्ट वाला पूछा गया है तो इसलिए फर्स्ट बनाया, एलोकेट द फर्स्ट फ्री ब्लॉक टू द प्रोसेस, इसलिए P1 में डाला क्योंकि फर्स्ट है, फर्स्ट वाले प्रोसेस में आएगा। उसके बाद P4 को एलोकेट किया 6KB क्योंकि पहला वाला जो डायग्राम है उसमें कितना है 12, तो कितना यूज किया और कितना फ्री है वो बताना, बस इतना ही है और कुछ नहीं, बाकी का सेम डायग्राम फॉलो कर, P2 P3 जो भी है एलोकेशन सेम है।
नेक्स्ट अगर बोला जाएगा तो बेस्ट फिट मतलब कहाँ पे बेस्ट नहीं फिट होगा जो प्रोसेस के हिसाब से वो बताना. तो बेस्ट फिट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी दैट शुड बी गो इन प्रोसेस थ्री बिकॉज 6 KB इज देयर. कितना फ्री होगा एक ही. तो अगर डायग्राम देखोगे तो वैसे ही है. P1 को अलोकेट किया, P2 को अलोकेट किया, P3 को अलोकेट किया. उसके बाद P4 में बता दिया कि मैंने P4 को अलोकेट किया, 6 KB डाला, फ्री कितना है 1 KB. एंड वर्स्ट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा वेस्टेज. तो उसने किसमें अलोकेट किया है, तुम्हारे 19 KB में, दैट इज इन दी P2. तो P1 का 12 KB, P2 के बाद P4 6 KB एंड 3 कितना है 13 KB. तो ये क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ो मत. बेस्ट फिट वर्स्ट फिट एंड फर्स्ट फिट मतलब पहले वाले ब्लॉक में जाएगा, बेस्ट मतलब आपका बेस्ट एलोकेशन करेगा जहाँ पे फ्री कम होगा, और वर्स्ट मतलब वेस्टेज ऑफ योर लार्ज ब्लॉक विल बी मच मोर कंपेयर टू द अदर. क्लियर है? अदर देन दैट जो क्वेश्चन पेपर था, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं जो तुम्हारा उनको एक PDF प्रोवाइड किया अभी जो तुम पढ़ो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. रीड करना स्टार्ट करो. अभी हमने एक बार रिकैप कर लिया है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो. एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? यस ओम बोलो. मैम मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आने वाला है? मल्टी लेवल शेड्यूलिंग क्यों बोला जाता है? क्यों का मतलब क्या होता है? आप लिस्टिंग कर दो कि कितने सारे प्रोसेस आपके पर्टिकुलर प्रोसेस है. क्यू में डिफाइन करना पड़ता है कि आपके क्यू में कितने. मल्टी लेवल क्यों बोला जाता है क्योंकि पैरेलली आप क्या करते हो, मल्टीपल प्रोसेस को हैंडल करते हो. अपना प्रोसेस क्या होता है, एक के बाद एग्जीक्यूट करता है, बट मल्टी लेवल में मोर देन वन प्रोसेस इज बीन एग्जीक्यूटेड एज पर द क्यू लेवल, दैट इज एज पर द प्रायोरिटी लेवल. तो वो मल्टीपल लेवल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम बोला, मतलब शेड्यूलिंग वर्क बोला जाता है. समझा? यस थैंक यू. बोलो अक्षदा. मैम अपना जो 6th यूनिट है फाइल मैनेजमेंट वाला, तो उसमें कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें स्टडी करने हैं? लाइक डायरेक्टरी, फाइल, 6th यूनिट ना? यस मैम. डायरेक्टरी, फाइल और रेड. फाइल, डायरेक्टरी, फाइल, डायरेक्टरी, फाइल और रेड. ओके. रेड बोलो, रेड बोलो, वो तुम्हारा प्रोनंसिएशन पे डिपेंडेंसी है. यस. वो रेड वाला क्वेश्चन अब तक आया नहीं है एक बार भी, सो आ सकता है क्या? एक बार भी आया नहीं है. मैंने किसी एक पेपर में देखा था, कौन से दो एक पेपर में देखा. अच्छा, तो लाइक इम्पोर्टेंस है क्या, उसे पढ़ना चाहिए? हाँ. ओके. मिनिमम बोलोगे तो अगर तुमको पास होना है दैट इज सिर्फ, तो आप एटलीस्ट 3 यूनिट करो एंड एक्सेप्ट योर एल्गोरिथम्स प्रॉपर 3 यूनिट करो. कौन सा तुम कर रहे हो मुझे आइडिया नहीं है. ये भी एक चीज है कि तुम कौन सी यूनिट कर रहे हो. वेटेज तुमको पता है क्या प्रॉपर, कौन से यूनिट का वेटेज है? यस मैम. हाँ, तो फर्स्ट यूनिट का वेटेज, सेकंड यूनिट का वेटेज के हिसाब से करोगे तो दैट विल बी गुड. और शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स जो भी है 3 टाइप के, वो एक्सक्लूड करके मतलब वो कम्प्लीटली जाओ करके. डे 1 से बोल रही हूँ मैं क्योंकि एल्गोरिदम में जितना टाइम तुमको सॉल्विंग में नहीं लगने वाला उतना टाइम थियोरी में लगेगा. तो इफ इट इज लाइक तुम्हारे पेपर्स में एल्गोरिदम्स आते हैं एक्सप्लेन करने के लिए या सम डायरेक्ट दिया है, तो वो वाला पार्ट पहले करो.
बाद में जो उसके रिलेटेड तुमको ऑप्शंस दिए जाते हैं देन यू गो विद दैट ऑप्शन कि कौन से कर सकते हो डोंट स्किप दैट पार्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ओके एनीथिंग एल्स एक मिनट है किसी ने तो कुछ डाल do scheduling and describe anything scheduling okay aur kisi ne kuch ek message kiya na abhi wait it here kiya hai kya matlab mujhe samjha nahi ki diya hai kya puchna hai ya kiya hai kya kya puchna hai क्या पूछना है वेटेज दिया है क्या ये पूछना है एक मिनट मैं बताती हूँ वेटेज कितना मेरे पास एक जगह पे लिखा हुआ था तो फाइल में मेंशन किया है कि वो कितना है कितना नहीं है वेटेज स्पेसिफाई नहीं किया ना मैंने कितना है करके यूनिट वन है जो 8 मार्क्स का है Then it comes with unit 2 10 marks. लिख लो चाहिए तो तुम्हारे ग्रुप पे डाल दो डायरेक्ट जिसके पास नहीं है तो unit 3 14 marks. यूनिट 4 14 मार्क्स 14 ओके फिफ्थ वाला भी 14 मार्क्स है तो तुम लास्ट के 3 यूनिट भी अच्छे से करोगे तो दैट विल बी गुड जो एंड लास्ट का जो है 6 10 मार्क्स हो गया प्रॉपर अभी तुमने शेयर कर दिया मैंने अभी देखा क्लियर है अभी वेटेज अदर देन दैट यू हैव एनी डाउट नाउ अदरवाइज विल स्टॉप यू इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क क्लियर एवरीवन यस मैम यस विल स्टॉप यू देन ओके ऑल द बेस्ट अच्छे से पढ़ो Thank you. Welcome. Bye-bye. Have a good day.
चलो बाय बाय, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो जल्दी। और कुछ पूछना? थैंक यू मैम। ओके क्या हुआ, मुझे कुछ पूछना है? ठीक है चलो बाय बाय।